दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु न
दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि श्रील प्रभुपाद की जय, गौरताय की जय, समस्त कृते वैष्णव भक्तवृंद की जय, दानिताय गोप्रमनंदे हरि 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 गो। तो पहले हम सोच रहे थे कि ना मॉर्निंग हम भागवत की कथा करेंगे और फिर शाम को हम चैतन्य लीला करेंगे, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि दो ही दिन है हमारे पास वैसे तो, और क्योंकि आने वाला फेस्टिवल कौन सा है, जन्माष्टमी, बिल्कुल अच्छा होली, यस। सो ऑन द होली ओकेजन वी हैव डिवाइन अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो इसलिए हम महाप्रभु बारे में चर्चा करेंगे सुबह शाम।
सो ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्ते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिनि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं जय श्री जय 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 स्पीकर थोड़ा दुखी आज ठीक है तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक आता है महाप्रभु के बारे में मेरे पीछे सब बोलेंगे चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धारा चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धारा सर्वेन्द्रिय तृप्त है श्रवणे आहारा सर्वेन्द्रिया तृप्त है श्रवणे आहारा सो चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कैसी हैं ये तो वास्तव में अमृत की धारा है हाँ सो चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धारा सर्वेन्द्रिया सारी इंद्रिया तृप्त है श्रवणे आहारा जो इनका श्रवण करता है महाप्रभु की लीलाओं का ऐसे व्यक्ति का क्या होगा उसकी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी उसका मन जो है तृप्त हो जाएगा क्योंकि हर युग में भगवान युगावतार भी लेते हैं यानी युगावतार का मतलब होता है कि उस युग में आत्म साक्षात्कार की विधि देने के लिए जो आएंगे अवतार उनको बोलते हैं युगावतार भगवान कई प्रकार के अवतार हैं सब जानते हैं उसमें नहीं जाऊंगा पुरुष अवतार भी हैं भगवान के गुणावतार भी हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के गुणावतार भी हैं मनवंतर अवतार भी होते हैं तो इस प्रकार से कई तरह के अवतार शाक्तवेश अवतार भी हैं उस तरह से उनमें एक होते हैं युगावतार तो युगावतार का मतलब है कि उस युग में आत्म साक्षात्कार की विधि जो देने के लिए आएगा वो होता है युगावतार तो सत्ययुग में कौन आए थे हंस अवतार ने दिया मेडिटेशन किस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान की विधि दी हंस अवतार ने फिर आया त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार तो और यज्ञता कौन सा विधि देते हैं यज्ञ सुहा यज्ञ अवतार फिर आता है द्वापर युग में आते हैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण के रूप में और वो देते हैं डीटी वर्शिप यानी कि भगवान की विग्रह सेवा ठीक है जी और फिर कलयुग में हरिनाम संकीर्तन देने के लिए कलयुग का धर्म क्या है कलयुग में जो आत्म साक्षात्कार का तरीका है वो है भगवान का नाम लेना ठीक है जी तो ये विधि जो देने के लिए आते हैं वो आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो इसलिए ये है वास्तव में युग अवतार इस युग के अवतार वैसे भगवान बोलते हैं त्रियुगी यानी कलयुग में भगवान वैसे नहीं आते पर ऐसा क्यों ये तो आए ऐसा कैसे तो भगवान त्रियुगी कहलाते हैं क्योंकि भगवान कोई लीला अवतार ऐसे नहीं करते लेकिन वैसे महाप्रभु ने भी लीला की लेकिन ये लीलाएं छुपी हुई हैं तो इसलिए वैसे ये भी लीला तो ये भी करते लीला अवतार ये भी है लेकिन साथ साथ में ये युग अवतार भी हैं क्योंकि ये युग धर्म देने के लिए आते हैं कलयुग में और वह है भगवान का नाम और कलयुग में भगवान का नाम ही चलने वाला है इसीलिए आप देखो जितने और धर्म भी है ना उनमें भगवान के नाम की संस्तुति है
जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, बाइबल में लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज रिसाइटेड बाय दोज हु चैंट थाई नेम, जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं वो भगवान के नाम धाम में निवास करते हैं। तो बाइबल में लिखा है, इस्लाम के अंदर भी यही है, अल्लाह जैसे सबसे महान है, अल्लाह हो गया, अर रहमान अर रहीम, सबसे रहमत वाला सबसे दया वाला। तो इस प्रकार से देखते हैं उनमें भी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, 99 नाम है अल्लाह के। तो कलयुग में क्योंकि नाम ही चलेगा और कुछ चलने वाला नहीं है, इसीलिए नाम की विधि देने के लिए आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग के वास्तव में यह है योग अवतार। ओके, सो एक तो ये कारण है कि भाई महाप्रभु आते हैं क्या देने के लिए, भगवान का नाम देने के लिए आते हैं, लेकिन साथ ही ये क्या करने के लिए आते हैं, ये वो प्रेम देने के लिए आते हैं जो कि और कोई अवतार नहीं देता, ये वो प्रेम देने के लिए आते हैं। वैसे ये प्रेम जो है भगवान श्री कृष्ण छुपा छुपा के रखते हैं, सबको नहीं देते, छुपा करते हैं, पहले देखो योग्यता है कि नहीं है, भगवान पूरी परीक्षा ले करके उस पर देते हैं। पहली परीक्षा होती है हमारी दुखों के कारण, कई लोग दुख में पागल हो जाते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, कहते क्या दिया उस प्रभु ने, दुख ही तो दिए, छोड़ो यार उसको, तो प्रभु को छोड़ देते दुख में आकर के। दुखों की जो परीक्षा है वो जो पार कर लेता है, कि वह दुख आए लेकिन फिर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, अरे फिर उनकी परीक्षा रहती है माया, ये कहती है इसको सुख में पागल कर देते हैं, सुख में पागल करके इसको भगवान को भुला दूंगी। तो कई लोग सुख में पागल होकर ही भगवान को भुला देते हैं, अरे बस ये सब बढ़िया टाइम आ गया, अच्छा है, मेरा धंधा वगैरह बढ़िया चल रहा है, मेरी शादी वादी हो गई, मेरी बच्चे वगैरह हो गए, भूल जाओगे। सो कुछ लोग दुख में पागल होकर के भगवान को छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुख में पागल होकर के भगवान को छोड़ देते हैं, और इन दोनों को भी जो पार कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत दम है भाई, उसकी फिर कृष्ण परीक्षा लेते हैं, मतलब ये दो टेस्ट पार करने के बाद। कई बार लोग ऐसे बोलते थे भगवान इतनी परीक्षा ले रहे हैं, आए तुम इतना ढक्कन आते तुम आएगा परीक्षा लेंगे भगवान, 99.99% लोग तो हम लोग अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, और उसका कोई विरले होते हैं जो सुख की परीक्षा देते हैं, फिर जाके कोई विरला विरला होता है जो जिसकी भगवान कृष्ण परीक्षा देते हैं, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण अपना प्रेम देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारा टेस्ट है भाई, एंट्रेंस एग्जाम 1, 2, 3 तब जाके एंट्री होगी। तो ये बहुत ही विशेष धन जो है भगवान के प्रति प्रेम का, इसको तिजोरी में छुपा छुपा के रखते हैं भगवान श्री कृष्ण, और कोई बिरला होता है, कोई जो लायक होता है उसको ये प्रेम देते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, बहुत अमीर आदमी हो, तो वैसे तो अपने धन को तिजोरी में, तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी, तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसमें वहां अपना धन रखेगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि ना वो अगर दारू पिया हो, उसको होश नहीं है अब, तो क्या करता है तिजोरी खोल देता है, वो ले लो भाई आ जाओ तू ले लो भाई, अरे वाह भाई दारू पिया हो भाई, इसने तो तिजोरी खोल दी अपनी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब ये धुत जाते हैं, धुत गए भगवान, अरे ऐसा कैसे, हाँ जब ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम में धुत हो जाते हैं, पूरी तरह से मदहोश हो जाते हैं, तो फिर वो कृष्ण प्रेम का जो धन है जो छुपा छुपा के रखा था और किसी विरले को देते हैं, उसको तिजोरी खोल देते हैं कलयुग में आकर के, ले लो कृष्ण प्रेम, ले लो किसी में अगर कोई योग्यता नहीं भी हो, आ जाओ भाई योग्यता दे देंगे आपको, आ जाओ। तो इसलिए ये प्रेम दे देते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गए, धुत दारू में नहीं, श्रीमती राधा रानी के प्रेम में इतने धुत हो गए कि फिर ये प्रेम बांटते हैं। इसलिए कलयुग के अंदर वैसे निकट्टू लोग हैं हम लोग, हमसे कोई होना देना है नहीं, हम लोग आलसी लोग, भक्ति को लेकर के सुपर डुपर आलसी लोग हैं कलयुग के लोग। तो इसलिए ऐसे लोग जो मंद हैं, सुमंद हैं, दिमाग इनका बंद है, कोई योग्यता नहीं है इनके अंदर, लेकिन फिर भी कलयुग में अरे सबसे बेहतरीन चीज देने के लिए आते हैं स्वयं भगवान। एक समय वेद व्यास जी की नाच रहे थे और बोल रहे थे कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, बाकी ऋषि मुनि ने कहा अरे वेद व्यास जी आप तो भगवान के अवतार हैं, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, आप ऐसे क्यों नाच रहे हैं, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, मतलब सारे युगों में सबसे निकट्टू युग तो यही है, क्योंकि सबसे जो बढ़िया बैच जो होता है, सबसे बढ़िया बैच हंस और परम हंसों का बैच होता है, सत्युग का बैच, उससे छटनी होते होते आते हैं जो उसमें नहीं तरे, वो आते हैं त्रेता में, त्रेता में जो भक्ति करके फिर उतर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो आते हैं फिर द्वापर में, उसमें जो भक्ति करके फिर उतर जाते हैं, तो नलायकों की बस्ती कहाँ इकट्ठी होती है, तो हम लोग उसी बैच का हिस्सा है भाई। तो यूजली वैसा होता है जब वो लोग कॉलेज पढ़े हुए जानते हैं, कॉलेज में ना सबसे बेहतरीन बच्चों की रिक्रूटमेंट की जाती है, भाई आपके कॉलेज के सबसे बेहतरीन बच्चे बताइए जी, कहते हैं ये हमारे टॉप रैंकर हैं, बढ़िया है जी, इनकी आप इनको आप कंपनी में ले लीजिए अपना, ठीक है जी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उल्टा हिसाब किताब है, कहते हैं जी पूरी कंपनी में सबसे नलायक लोग कहाँ मिलेंगे,
सत्युग बिल्कुल नहीं, सत्युग तो बहुत बढ़िया बैच है भाई, सेकंड बेस्ट बैच रहता, उसके बाद फिर द्वापर। नलायक लोग कहाँ मिलते हैं? कलयुग में। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कैंप वहीं लगाएंगे, हम वहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे। तो महाप्रभु ने आकर के कलयुग में रिक्रूटमेंट कैंप लगाया है जी। तो जब संतों ने पूछा वेद व्यास जी से, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, ऐसे क्यों? तो उन्होंने बताया कि वास्तव में कलयुग में दो कारण है जो बहुत बड़े कारण है। एक तो कारण यह है कि राधा कृष्ण का युगल रूप आएगा कलयुग में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो इसलिए ऐसा ये दिव्य रूप और किसी युग में देखने को नहीं मिलता, ये इस युग में देखने को मिलेगा। इसीलिए एक तो इसलिए कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। और दूसरा कारण यह है कि जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करके, यज्ञ इत्यादि करके, दान दक्षिणा दे करके जो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का हरि का नाम लेकर कलयुग में मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे कलयुग की तो जय हो कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो कलयुग वैसे तो इसमें सब आला टेढ़ा ही है, लेकिन एक चीज बहुत ही शक्तिशाली है इसके अंदर, और वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। लेकिन ये देने के लिए आता कौन है? ये देने के लिए आते हैं स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मेरे पीछे बोलेंगे सब, चैतन्य रे दास मुई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई तार दास रे दास। ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? चैतन्य रे दास मुई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई तार दास रे दास, ऐसा क्यों? जैसे कि ना हम किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। अगर आप पुतिन की बात तारीफ करें, क्या बात है, यूक्रेन पे आक्रमण किया, बहुत अच्छा, क्या बात है। आप बाइडेन की तारीफ करें, क्या बात है। आप शेख हसीना की बात करें, आप क्या बात है, क्या बात है। तो बाकी भी तो आप तारीफ करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ तो जरूर करनी चाहिए भाई। हाँ, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भाई। तो उस तरह से हम बाकी युगों के राजाओं की तारीफ करें, अच्छी बात है। सत्युग में आपने नरसिंह भगवान की बात की, उनकी तारीफ की, अच्छी बात है, नाइस। त्रेता युग में श्री राम आए थे, उनकी तारीफ की आपने, उनकी महिमा गान की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे, उनका प्रशंसा कांड किया आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये बाकी युगों के प्राइम मिनिस्टर लोग हैं। हमारे कलयुग के प्राइम मिनिस्टर कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। इनकी तो तारीफ जोर शोर से करेंगे जी हम, यस, क्योंकि हम ये है ना, हमारे लिए, हमारे कृष्ण भगवान आए, वो द्वापर वालों के लिए आए, राम जी आए त्रेता वालों के लिए आए, नरसिंह भगवान आए सत्यु वालों के लिए आए, हमारे लिए कौन आया? हम तो उसके लिए हम चिंता करेंगे ना भाई, हम तो और बाकियों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, राम जी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो ये जय हो थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी। कलयुग के प्राइम मिनिस्टर तो भगवान के बड़े विशेष रूप हैं, अवतार भी नहीं कहेंगे, बिकॉज ये स्वयं भगवान ही हैं, अवतार भी नहीं है। बाकी युगों में भगवान अवतार लेते हैं, यानी कि भगवान अपना एक विस्तार भेजते हैं कि ओके पर्टिकुलर काम आप करके आ जाओ, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है अवतार भी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है ऐसा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कि हर कलयुग में आते हैं, ना 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 ना, 1000 चतुर्युगों में से एक कलयुग में आते हैं, यानी इसके बाद के जो 1000 कलयुग आने वाले हैं, सत्यु त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, उनमें चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, उसके बाद 1000 वाले में आएंगे। यानी हम लोगों की लगी है लॉटरी, हमारे अभी 500 साल पहले ही अभी आएंगे, और क्या बात है भाई। और उन चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त के पोते हैं हम लोग, ये तो क्या सौभाग्य हमारा जी। एक्चुअली बताऊं, कलयुग में हम लोग इतने लल्लू हो चुके हैं, हमको खुद को नहीं पता हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं महाप्रभु जो कि 1000 कलयुगों में से एक कलयुग में आते हैं, उनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद, उनके पोते हम लोग। और पोतों का दादा से ज्यादा प्यार होता है, दादाजी ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन पोतों से तो बहुत ज्यादा लाड़ होता है। तो इसलिए हमारा प्रभुपाद जी से खास ही रिश्ता है। इस मैंने एक भक्त को बोला, हमारे एक प्रभुपाद जी शिष्य, मैंने उनको बोला था कि महाराज आपका बड़ा सौभाग्य है, आप लोग तो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए। उन्होंने बोला ना 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 ना, ना आप लोगों का ज्यादा सौभाग्य है, हम लोगों को तो उनका प्यार मिला, लेकिन डांट भी हमको खूब मिली प्रभुपाद जी से। लेकिन दादाजी पोतों को डांटते वाटते नहीं है, पोते तो लाड़ प्यार लेके बिगड़ते हैं और कुछ नहीं, यहाँ उधार होता है, नो डाउट, ऐसा नहीं, बिगड़ते ही हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का आप लोगों से विशेष प्रेम, क्योंकि सेनापति भक्त है महाप्रभु के भाई।
तो इसलिए महाप्रभु का के सेनापति भक्त के डायरेक्ट इतनी कृपा मिलना, वाओ, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और साथ ही उनकी 125 साल गिराए, तो इसीलिए महाप्रभु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वास्तव में श्रील प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य महाप्रभु क्या आए वास्तव में कलयुग में सबको माला पहनाने के लिए आए, माला पहनाने के लिए, दो माला है। हाँ जी, देखा कभी कभी क्या होता है, एक माला होती है, एक माला के साथ एक और माला होती है, और दो मालाओं को ना ऐसे गुथा जाता है आपस में और उससे मोटी माला बन जाती है वो, या तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दो मालाओं को इंटरट्वाइन करके सबको पहनाने के लिए आए हैं। ये दो मालाएं कौन सी हैं? एक है कृष्ण प्रेम की माला और एक है हरे कृष्ण महामंत्र की माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक तो ये माला है और दूसरी माला है कृष्ण प्रेम की माला। इनको इंटरट्वाइन करके सबको पहनाने के लिए आए हैं। बहुत सारी मालाएं उनके पास, बहुत सारी मालाएं। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबसे अधिक दयालु हैं। अच्छा, यस, सबसे अधिक दयालु हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं दया के मामले में? श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पहले सब प्रकार के धर्मों को त्यागो, प्रभु इकलौती मेरी शरण में आओ प्रभु, उसके बाद जाके मिलेगी आपको कृपा। महाप्रभु क्या बोलते हैं? महाप्रभु बोलते हैं देखो कृपा ले लो, ये सर्वधर्मान परित्यज्य वो बाद में कर लेना, ठीक है, ये बाद में कर लेना, अभी तुम आ जाओ और कृपा ले लो। ये तो जैसे अगर स्टोर में जाए वो बंदा बोले जी आप ले जाइए फ्रिज ले जाइए, आप पैसे बाद में देते रहिए, आप आराम से देते रहिए। तो भाई बड़ा दयालु है यार, तो भाई भगवान श्री कृष्ण भाई भाई तो इज गॉड ऑफ जस्टिस, पहले पूरा पूछेंगे ये छोड़ा कि नहीं छोड़ा, जितना अटेम्प्ट किया है उतना ही मार्क्स मिलेंगे तुमको। अगर 60 मार्क्स अटेम्प्ट किया है 60 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स अटेम्प्ट किया है 50 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स अटेम्प्ट किया है 20 मार्क्स मिलेंगे। गॉड ऑफ जस्टिस कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु और दयालु हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हैंड राइटिंग अच्छी है वैसे, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स, कपड़े प्रेस करके आया था एक्स्ट्रा मार्क्स, बाल में कंगी वंगी मार के आए हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। इस तरह से ग्रेस मार्क्स बहुत देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल, बहुत दयालु हैं। सो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो राधा कृष्ण का ये युगल रूप जो है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता है, ये बहुत ही विशेष रूप है, बहुत ही विशेष रूप है। तो महाप्रभु के बारे में इवन वेद व्यास जी ने एक उपनिषद तक लिख दिया, उसका नाम है चैतन्य उपनिषद। चैतन्य उपनिषद एक पूरा डेडिकेटेड उपनिषद है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं उनको लगता है कि ना चैतन्य महाप्रभु शायद इस्कॉन के बनाए हुए नए भगवान हैं, हमने तो कभी सुना नहीं, कभी सुना आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में? ये लोग बोलते रहते चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। ये हर सोसाइटी के अपने अपने भगवान निकाले थे उन लोगों ने, इन लोगों ने अपना एक भगवान लॉन्च किया अपना इस्कॉन वालों का, ये चैतन्य महाप्रभु जी इनके ऐसा क्या नहीं जी, पूरा एक उपनिषद डेडिकेटेड है, पूरा एक उपनिषद डेडिकेटेड है चैतन्य महाप्रभु को। और शास्त्र में बहुत सारे कथन आते हैं महाप्रभु को लेकर के। एक बहुत ही फेमस कथन जो कि श्रीमद् भागवतम में आया था, जो कि हम सब जानते हो, क्या है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। यानी कृष्ण वर्ण, कृष्ण का वर्ण यानी कृष्ण अक्षर, यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के एक व्यक्ति आएगा। अच्छा, और क्या जी? साथ ही संग, संग में कौन और क्या लेकर आएगा? उपअंग, अपने साथ उपअंग यानी अपने और पार्षद भी लेकर के आएगा। अस्त्र भी होगा उसके पास, अस्त्र होगा हरि नाम का अस्त्र, ठीक है जी। अच्छा, और अच्छा कौन ये कैसा, ये मतलब कैसा वाला अस्त्र है ये? हरि नाम का, यहाँ जी यज्ञ संकीर्तन प्रायर। अच्छा, कौन करेगा ऐसे, कौन इनकी पूजा अर्चना करेगा? सुमेधसा, जो बुद्धिमान होंगे लोग होंगे वो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा इन चैतन्य महाप्रभु की, जो कि भगवान श्री कृष्ण युगल रूप है, इनकी पूजा आराधना करेंगे कलयुग में। या था श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में 5वां अध्याय का 32वां श्लोक है। ओके, और साथ ही एक उपनिषद जो चैतन्य उपनिषद है उसमें क्या बताया गया है? जाह्नवी तीरे नवद्वीपे, जाह्नवी यानी कि गंगा मैया के तीरे नवद्वीपे, नवद्वीप नाम के स्थान में गोलोक खाखिये धामने गोविंदो, गोलोक वृंदावन धाम जो है वही गोविंद जो गोलोक वृंदावन के यहां पर आएंगे, ठीक है जी। द्विजो गौरव यानी वास्तव में ब्राह्मण परिवार प्रकट होंगे, सर्वात्म महापुरुषो, सबकी आत्मा सबके हृदय में परमात्मा रूप में उन्हीं का विस्तार है वास्तव में। महापुरुषो
एक महापुरुष के रूप में होंगे। महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सतो रूपो भक्तिम लोके कश्यति। ये वास्ते पूरे जगत को भक्ति लोक में कन्वर्ट कर देंगे ऐसा। और इवन ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, किसने नाम सुना है ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया? ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया नाम सुना है, किसने सुना है? ओके, ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार भी सबसे अधिक शक्तिशाली भक्ति मूवमेंट रही है ऑफ अ ग्रेट सेंट, वो भगवान नहीं बताते हैं, एक महान संत, उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि किस दर से लोग भक्त बनते थे। जो कोई चैतन्य महाप्रभु को सिर्फ देख लिया करता था उसको कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था, और जो उस व्यक्ति को देख लिया करता था जिसने कि महाप्रभु को देखा है उसको कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था, और जिसने उस व्यक्ति को देखा है उसको कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था, और जिसने महाप्रभु को देखा है उसको भी कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था। इस तरह से कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई थी जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। ऐसे वो था भक्ति मूवमेंट था उस वक्त, कई सारे महान संत आए थे, मीराबाई भी थे, गुरु नानक देव जी भी थे, कई सारे और महान संत भी थे उस वक्त, दैट वॉज भक्ति मूवमेंट। लेकिन जितनी भक्ति मूवमेंट है एज पर ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया, सबसे अधिक प्रभावशाली जो भक्ति मूवमेंट है वो किनकी है? वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो इस प्रकार से और कई सारे कथन है, जैसे एक और कथन आता है, वेदांत वेद्यम पुरुषम पुराणम चैतन्य महात्म विश्व योनि महात्मनम तमेव विदित्वा त्रिमित्युम एति नान्यः पंथा वेद्यन्ते या अन्यया। ये अथर्वोपनिषद, ये अथर्ववेद से है, अथर्ववेद का हिस्सा है चैतन्य उपनिषद। उसे बताया किस प्रकार से परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और जीवात्माएं जो हैं इनसे इतनी कृपा का को प्राप्त करेंगी कि जन्म मृत्यु के चक्र जिससे निकलना ऑलमोस्ट असंभव है वो तुरंत बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबके हृदय में वास करें ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो ये चैतन्य उपनिषद में महाप्रभु बारे में इस प्रकार से कई सारे कथन हैं उनके बारे में। अब जो सबसे फेमस जो शास्त्र है जो कि चैतन्य महाप्रभु बारे में, वो है श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत, एक समय भक्त लोग थे बाहर रसगुल्ले प्रसाद बांट रहे थे, प्रभुपाद ने कहे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद हम लोग यहाँ पर एक बंगाली स्वीट बांट रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ओ बंगाली स्वीट, बहुत अच्छी बात है, कौन सी बंगाली स्वीट है? प्रभुपाद रसगुल्ला। प्रभुपाद ने बोला दैट्स वेरी गुड, लेकिन इससे भी टेस्टी एक और बंगाली स्वीट है, और बंगाली स्वीट है श्री चैतन्य चरितामृत, सबसे मीठी बंगाली स्वीट है। एक समय मुंगेर नाम का स्थान था, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ आई तो भक्तों ने बोला श्री प्रभु, तो गुरुदेव श्री भक्ति को प्रभुपाद जी से बोला कि हम क्या करें अब यहाँ बाढ़ आ गई है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला एक तो विग्रह की रक्षा करो, दूसरा ग्रंथों की रक्षा करो। तो विग्रह तो उन्होंने लिए, एक बोटें भेज दिए, लेकिन और दूसरी बोट नहीं थी, अब क्या करें? अच्छा तो ऐसा करो तीन ग्रंथ जरूर बचाओ, लेकिन एक है भगवद्गीता, एक है भागवतम, एक है चैतन्य चरितामृत। तो पहले रखो चैतन्य चरितामृत, फिर उसके ऊपर रखो भागवतम, फिर ऊपर रखो भगवद्गीता, ऐसे रखो, और फिर बाढ़ में से निकलने का प्रयास करो। लेकिन अगर ऐसा हो इतनी बुक्स रखी हुई हैं आप डूब के मर जाओगे तो फिर ऐसा करना भगवद्गीता को लेना और डुबो देना और तैयार करके बाहर आ जाना। नहीं फिर भी चलते 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 अगर आप डूब रहे हो तो श्रीमद् भागवतम को लेना, डुबो देना और आगे बढ़ते रहना। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो कि अब आप खुद को नहीं बचा पा रहे तो फिर चैतन्य चरितामृत को डुबो करके जिंदा मत रहना, चैतन्य चरितामृत के साथ डूब के मर जाना, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत इतना ज्यादा अद्भुत ग्रंथ है। अब कितने लोगों ने चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ का नाम सुना है? सबने सुना हुआ है? तो चैतन्य चरितामृत इतना विशेष ग्रंथ है कि श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद बीच में रोक करके श्री चैतन्य चरितामृत का अनुवाद दिया, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मैराथन थी। प्रभुपाद जी ने बोला भक्तों को हम आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, मैं अनुवाद जल्दी करता हूँ या आप लोग प्रिंटिंग जल्दी करते हो, हमें आपस में कॉम्पिटिशन चलेगा। भक्त लोग ने 2 महीने में 17 वॉल्यूम, उस वक्त 17 वॉल्यूम आता था, 17 वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत छापा 2 महीने के अंदर। लोग 6 महीने में 1 वॉल्यूम छापते हैं, दुनिया में जो किताबें छपती है ना, 6 महीने में 1 किताब छपती है,
यहां दो महीने में 17 किताबें छापी भक्तों ने। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चला करती थी। यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है, कोई इसमें स्पेंडिंग कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसकी लैंडस्केपिंग वगैरह कर रहा है, कोई स्टिचिंग वगैरह कर रहा है, कुछ कोई ऑर्डर दे, ये सब चला करता था। और भक्त लोगों ने उस दो महीने के अंदर चैतन्य चरितामृत जब छपाए, इसकी जब एडिटिंग वगैरह चल रही थी, हर रोज सिर्फ 2 या 3 घंटा ही सो रहे थे, मैक्सिमम 4 घंटा सोया करते थे, अपनी सोला माला करते थे और बस ये करके मंगल आरती करते थे, और उसके बाद फिर पूरी रात भर आप इस चैतन्य चरितामृत पर काम चलेगा। इतना वर्क हार्ड किया, इतना हार्डवर्क करके 2 महीने में जब उन्होंने 17 वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत निकाला विद गोल्डन कवर, उसके अंदर पेंटिंग्स भी हैं, एवरीथिंग फैंटास्टिक। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा ये 17 वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत, तो प्रभुपाद जी ने बोला जितने भक्तों ने इस चैतन्य चरितामृत के प्रिंटिंग में भाग लिया है इसकी सेवा के अंदर, मैं पर्सनली उनके हाथ पकड़ करके भगवान के धाम लेके जाऊंगा उनको। अब वो कभी भी इस्कॉन के संपर्क में नहीं आई, कभी इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए। तो उसने क्या हुआ, हमारी रथ यात्रा निकाली थी जगन्नाथ जी की, वो रथ यात्रा देख करके ना वो देख रही, और वो पेड़ के बगल में खड़ी थी और चुप कर ऐसे करके देख रही थी और रोए जाए। तो ना भक्त की नज़र उसे पड़ी, भक्ति का कौन सी रेडी है, उसने कपड़े विदेशी पहने हुए थे, या तो भाई इसने गोपी ड्रेस पहनी हो, साड़ी वाड़ी पहनी हो, तिलक लगाया हो, तुम कहीं भक्त हैं, तो उनमें भावना ऐसी आ गई भगवान को देख करके। अब पहनी उसने स्कर्ट थी, कपड़े तो विदेशी पहने हुए थे, लेकिन ना जगन्नाथ जी को देख करके उसकी आंखों में आंसू आए जाए, और ऐसे करके देख रही बार बार, और फिर जगन्नाथ जी को फिर देखे फिर रोए जाए, फिर ऐसे करके देखे, और फिर जगन्नाथ जी को देखे रोए जाए। तो भक्त ने कहा भाई ये कौन है, इतने तो आंसू हमारे ये निकलते, ये किसके आंसू निकले जा रहे हैं इस तरह से। मैंने बोला हरे कृष्णा एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ना आप यहाँ खड़े होकर आप रोए जा रही हैं, क्या क्या हो गया। तो उसने बताया कि ना मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में एक ये 17 वॉल्यूम एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, मैंने उसमें रथ यात्रा वाला सेक्शन मैंने पढ़ा था, उसमें बिल्कुल यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यही है उसके अंदर, और ना उसके सामने ना एक गोल्डन कलर का एक लड़का डांस भी करता है, और उसके आंखों से अश्रु बहते हैं। तो बार बार मैं जगन्नाथ जी को देख रही थी, आपके इनके इनको जगन्नाथ जी को देख रही थी मैं, और मैं देख रही थी वो गोल्डन कलर का लड़का वो डांस कर रहा होगा, तो बार बार मेरी आंखें उस लड़के को देखती हैं कि वो लड़का कहाँ होगा लड़का, नहीं फिर मैं जगन्नाथ जी को देखती हूँ, फिर इस उम्मीद में कि जगन्नाथ जी के सामने वो गोल्डन कलर का जो लड़का है जो डांस करता है जिसकी आंखों से अश्रु बहते हैं मुझे वो नजर आए, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। एंड दैट लेडी वॉज शेडिंग टीयर्स। अब ये अभी तक इस्कॉन के संपर्क में नहीं आई, लेकिन इसने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत, तो इसकी आंखों से अश्रु बह जा रहे हैं, प्रेम के अश्रु बह जा रहे हैं। अभी कल्चरली अभी हरे कृष्ण भी नहीं करती है, अभी हरे कृष्ण भी नहीं करती, इवन देन उसके हृदय में इतने उन्माद आ रहे हैं। ओ तो ये वास्तव में चैतन्य चरितामृत पढ़ने का प्रभाव है। चैतन्य चरितामृत तो है, ये PhD स्टडी है, भगवद्गीता ग्रेजुएशन है, श्रीमद भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, और PhD स्टडी है वो है श्री चैतन्य चरितामृत। जरूर पढ़नी चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा ना उसका जीवन बेकार है, मतलब वाकई बेकार है जिसने श्री चैतन्य चरितामृत को नहीं पढ़ा। इतना मीठा ग्रंथ है, बहुत ही मीठा ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। हालांकि और भी ग्रंथ है, जैसे चैतन्य मंगल करके भी ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर लीलाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। एक और ग्रंथ भी है उसको बोलते चैतन्य भागवत, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। जो चैतन्य चरितामृत है ये बहुत ही फिलॉसफी भी है इसके अंदर, और साथ ही बहुत फिलॉसफिकल होने के साथ साथ इसमें लीलाएं भी हैं। चैतन्य भागवत के अंदर लीलाएं बहुत लीलाएं, तत्व भी है नो डाउट, लेकिन लीलाएं ज्यादा हैं, लेकिन सिद्धांत सबसे अधिक जो आता है वो आता है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर। और चैतन्य मंगल भी है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आती हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो इनका नाम जो है वो है श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य का भला मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये नाम है, तो श्री का मतलब होता है श्रीमती राधिका, श्री ओके, श्री कृष्ण, कृष्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो श्री और कृष्ण जब मिल जाते हैं तो बनती है एक बहुत ही पावरफुल फोर्स, उसको बोलते हैं चैतन्य। सो श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का मतलब है जब राधा रानी के महाभाव को धारण किए हुए प्रभु
इसलिए उनको बोलते हैं महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी के महाभाव को उन्होंने स्वीकार किया है, इसलिए उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। साथ ही उनका नाम है गौरंगा, गौरा अंगा, क्योंकि अंग जो है उनके वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के हैं, इसलिए गौरा अंगा, गौ रा अंगा। तो प्रबोधन सरस्वती बोल रहे हैं जो पहले नाम था राधा कृष्णा वो कलयुग में हो गया है गौरा अंगा। सो ये वही राधा कृष्ण ही है जो कि आए हैं अब श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में कलयुग में। अच्छा बोला, लेकिन भगवान ये क्यों आते हैं, क्यों ये वाला रूप भला भगवान क्यों लेते हैं? ओके, इसका कारण जो है, इसका कारण भी चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है। वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखती हैं, तो उनका प्रेम और बढ़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जब इनकी सुंदरता को, जब इनकी भक्ति को बढ़ावा देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, तो गोपियों का जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ जाता है। गोपियों का बड़ा और प्रेम देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की बड़ी सुंदरता को देखकर ही गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है। गोपियों के बड़े प्रेम को देखकर इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और इस प्रकार से कृष्ण की सुंदरता को देख, कृष्ण की सुंदरता इनकी गोपियों के प्रेम को देखकर और बढ़ जाती है। और इस तरह से गोपियों का जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से इनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह से इनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से इनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, इस तरह से इनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से सुंदरता का और भक्ति का, प्रेम का एक कंपटीशन चलता है। तो मेरा सबसे सवाल है, इसमें कौन जीता? गोपियां जीती? हाथ खड़ा करें, गोपियां जीती। अच्छा, कौन मानता है कृष्ण जीते? कृष्ण जीते। अच्छा, कौन कौन मानता है? हम कंफ्यूज हैं। हाँ, ये कंफ्यूज वाले बिल्कुल सही है। आज तक कोई नहीं जीता, इवन आज तक भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता बढ़े जा रही है और गोपियों का प्रेम भी बढ़े जा रहा है। इस दुनिया प्रेम हमेशा नहीं बढ़ता रहता, शुरू में बढ़ता है, शेरों शायरियाँ ये वो, हम मिले तुम बने एक दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ करके ले आऊँगा, बाद में बाजार से 2 किलो आलू लेके आ पाता है बंदा। दूसरे इस दुनिया में प्रेम हमेशा बढ़ता रहता नहीं है, शुरू में लोग जब डेट वेट मारते हैं तो फिर उनको बढ़ता हुआ प्रेम नजर आता है, उसके बाद फिर ठस भी हो जाता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ प्रेम बढ़ता रहता है, सुंदरता भी जहां बढ़ती रहती है। हाँ, सुंदरता हमेशा नहीं बढ़ती रहती। जब जवान होता है बंदा तो हरफर मौला, ये सिक्स पैक, ये बड़ा एकदम, लेकिन उसके बाद फिर कमर भी झुकनी भी शुरू होती है, आए घुटनों में दर्द शुरू होता है, आए। तो इस जगत के अंदर सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती नहीं है। एक प्राइम टाइम आता है जब व्यक्ति जब खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है, गुड लुकिंग होता है, उसके बाद फिर ढल भी जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर सुंदरता बढ़ती रहती है। प्रेम बढ़ता रहता है हमेशा, कभी रुकता भी नहीं है कि भाई अब बढ़ गया है अब रुक गया हो ना, बढ़ता रहता है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ना ये मेरे भक्त लोग भाई मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, मेरे में ऐसा क्या खास है कि भक्तों मेरे से इतना प्यार करते हैं। जिससे भक्तों में सबसे विशेष भक्त, सबसे स्पेशल भक्त भगवान ने चुना, किसको? श्रीमती राधा रानी को। तो भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते हैं मेरे में ऐसा क्या खास है कि मैं तो झूठ ही बोलता हूँ, मैं तो चोरी भी करता हूँ, तो मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ वैसे, पर पता नहीं ये भक्तों को मेरे में नज़र क्या आता है। अक्सर बोलते थे आपके चरण कमल, आपके आपका सुंदर रूप, इनको पता नहीं चलता। जैसे चीनी को नहीं पता होता कि चीनी कितनी मीठी है, चीनी को पता होता है? नहीं। लेकिन किसको पता होता है? चींटी को पता होता है। तो चीनी अगर चींटी से बोले मैं कितनी मीठी हूं, चींटी तो बोलेगी अरे आप तो बहुत ही मीठे हो। लेकिन किस तरह की मीठी? तो चींटी बोलेगी ये तो देखो अब हम क्या बताएं, लेकिन आप बहुत मीठी हो। लेकिन चीनी कहेगी अच्छा मैं क्या करूं कि ना मैं अपनी मिठास को चखूं, मेरे में ऐसा क्या है भला। तो चीनी जो है वो चींटी जब बनना चाहती है उसको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण जब राधा का भाव लेना चाहते हैं कि मेरे में ऐसा क्या है, राधा रानी बोलते हैं अभी आप तो अद्भुत हैं, आप तो रस के सागर हैं, आप तो अखिल रसामृत मूर्ति हैं,
आप तो दिव्य हैं, चिन्मय हैं, आप तो वास्तव में सारे रस का सार हैं। अच्छा, इतना क्या? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का जब भाव स्वीकार करना पड़ता है, दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु। एक और सुंदर एनालॉजी प्रभुपाद जी दिया करते थे, जैसे कि ना एक म्यूजिशियन हो, ठीक है, वो जाता है म्यूजिक की शॉप में, और जब म्यूजिक की शॉप होती है ना, वहां तबला वाला भी है, वायलिन भी है, गिटार भी है, पियानो भी है, वो जाता बजाता है, टिंग 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 टिक टिंग टिंग टिंग, हाँ क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वायलिन लेगा और बजाएगा, वाह। तबला वो बजाएगा, तक दिन तक दिन आ, तक 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 दिन तक 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 दिन आ। अब जो शॉप वाला ना कहता है, यार ये बढ़िया है यार, दुकान मेरी है, बजा के ये चला जाता है, और आहा ओहो ये क्या बात हुई भाई, दुकान हमारी, हमको तो पता नहीं चल रहा है हमारे सब कुछ, इंस्ट्रूमेंट तो मेरी शॉप में है, तबला मेरे पास है, वायलिन मेरे पास है, गिटार मेरे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, ये आता है यहाँ को जाता है, ओए 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 बजा के चला जाता है। तो फाइनली फिर क्या करता है, म्यूजिशियन के पास जाता है, दुकान वाला कहता है, भाई ये बात बताओ यार, हमारी दुकान में इतना कुछ है, हमें तो इतना कोई इतना मजा आता नहीं भाई, आप आते हो बजा बुजू करके, आ ओहो करके चले जाते हो, भाई थोड़ा हमें ही बताओ भाई, हमारे पास क्या है ऐसा, ये हमारी दुकान में ऐसा है क्या? तो फाइनली जब ये दुकान वाला म्यूजिशियन की शरण में जाएगा, तो उसको पता लगेगा, अरे इसके पास क्या क्या है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में कितना आनंद है, इसके लिए उनको कोच के पास जाना पड़ता है, और वो कोच है कौन? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है ये कृष्ण प्रेम के बारे में जानती है वास्तव में, तो इसलिए इनको इनकी शरण में तो जाना पड़ेगा जी। तो इसीलिए ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब आप मंदिर में देखो, मंदिर में ना रेलिंग की इस तरफ, ऑल्टर की इस तरफ होते हैं भक्त, ऑल्टर के अंदर होते हैं भगवान, अंदर कौन? भगवान, ऑल्टर के बाहर भक्त। अच्छा वैसे देखा जाए, इंजॉयर कौन है शास्त्र के अनुसार? भक्त या भगवान? भगवान, भगवान इंजॉयर है। लेकिन अगर टेंपल हॉल में देखो, मजा किसका ज्यादा हो रहा है? कहते हैं गाते कौन? भक्त। नाचे कौन? भक्त। प्रसाद पाए कौन? भक्त। तो पार्टी किसकी हो रही है? भक्त। ये अंदर खड़े यार, ये क्या भाई, ये लोग नाचते भी हैं, ये लोग गाते भी हैं, प्रसाद भी पाते हैं, हरी बोल, और हम यहां खड़े हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऑल्टर के अंदर से कूद करके बाहर आ जाते हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर, उनको बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये कृष्ण ही है, लेकिन पहले ऑल्टर के अंदर थे। कहते यहां तो बड़ा बोरिंग जिंदगी हमारी भाई, ये इनका बढ़िया है, हमको ही मजा करने का है। तो वैसे इंग्लिश में थोड़ा बताऊंगा, इंग्लिश में हम लोग अगर देखा जाए, वी आर इंजॉयड, हम लोग हैं इंजॉयड, हम लोग हैं भुक्त, भगवान है भोक्ता, भोक्ता रखे तब साम सर्व लोक महेश्वरम, तो ये है भोक्ता, इंजॉयर, हम लोग हैं भुक्त, इंजॉयड, हम लोग हैं इंजॉयड, ये है इंजॉय। व्हेन द इंजॉयड इज रेडी टू बी इंजॉयड इन द इंजॉयमेंट ऑफ इंजॉयर, देन द इंजॉयड इंजॉयज मोर देन द इंजॉयर, एंड सीइंग दिस द इंजॉयर wants to become enjoyed. So जब enjoyer enjoyed बनना चाहता है, उनको बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण भला चैतन्य महाप्रभु रूप में क्यों आते हैं? तो एक बहुत बड़ा कारण ये है, क्योंकि देखना चाहते हैं भाई मेरे में ऐसा है क्या, मेरे में ऐसा है क्या, what is there in me? दूसरा कारण ये है, वो जानना चाहते हैं कि ये मेरे भक्तों में ऐसा क्या है कि मेरे में इतना कुछ देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू सी दैट। तो श्रीमती राधा रानी के भाव का वो है क्या, व्हाट्स दैट नेचर, ये जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार करते हैं। अब जैसे मान लो किसी ना प्राइवेट डायरी हो गई, कोई अपना प्राइवेट डायरी रखता है रोज रोज, कॉन्फिडेंशियल डायरी, अंदर की बात, मेरी रहस्यमय बातें, ऐसे करके करके जो है कोई अगर डायरी लिखता है, तो डायरी अगर ऐसे कोई लिखे और वो लिखता है शॉर्ट हैंड में, अब हमको ये बात पता नहीं थी, हमने कहा यार इसके अंदर के राज निकलवाते हैं, इसकी डायरी चोरी कर लेते हैं, और हमने देखा मौका देख करके डायरी चुरा ली हमने, डायरी खोली
काला अक्षर भैंस बराबर। कहते भाई ये तो सारी शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है, शॉर्ट हैंड इसको शॉर्ट हैंड होती है ना जो सेक्रेटरी वगैरह इस्तेमाल करती हैं ताकि फटाफट लिख सकें, ये तो सारी शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है भाई, अब क्या करें। तो जिसकी चोरी हुई होती है डायरी, मेरी डायरी कहाँ है, मेरी डायरी कहाँ है, डायरी चोर, कहते जी चुरा तो ली है, समझ में कुछ ना आ रही। कहते हमारी डायरी है, हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, अब क्या करना पड़े, जिसकी डायरी है उसकी कोचिंग भी लेनी पड़ेगी, सो चोरी करके काम नहीं चलता, कृष्ण है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। तो चोरी तो कर लिया आपने, पर प्रेम को समझ लोगे ऐसे ही ना। तो श्रीमती राधारानी के प्रेम को उन्होंने चुरा तो लिया, नहीं समझ नहीं पाएंगे जी उसको, समझ नहीं पाएंगे उसको। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोच चाहिए होगा, हाँ जी चोरी की, हमारी कोचिंग में नहीं समझ सकते। तो इसलिए श्रीमती राधारानी आती हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में। तो शची माता बोला करती थी कि ना जब कभी भी मेरा बेटा गौरांग महाप्रभु जी, तो गौरांग है गौरा गौर हरि, ये वैसे बावियल हो जाता है तो ये एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन गदाधर पंडित आकर के उनको शांत कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की शची माता ने, शची माता है कौन, यशोदा मैया। तो शची माता ने प्रार्थना की, हे गदाधर मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि तुम कभी भी मेरे बेटे का साथ मत छोड़ना, क्योंकि ना ये किसी के भी वश में नहीं आता है, सिर्फ तुम्हारे वश में आता है, तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए तो गदाधर पंडित है कौन, श्रीमती राधा रानी, तो वो आकर इनको कोचिंग दिया करते थे, वो इनको कथा सुनाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। एक समय चैतन्य महाप्रभु अपना है, उन्होंने कहा कृष्ण प्रेम कहाँ है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कहाँ है हमारे कृष्ण, को था कहाँ है मेरे कृष्ण। तो किसी भक्त ने बोला कृष्ण तो आपके हृदय में है, मेरे हृदय में, अच्छा तो अपना हृदय फाड़ना शुरू कर दे कि मैं कृष्ण के दर्शन कर लूं। तो फिर आखिर गदाधर पंडित ने उनको सांत्वना दी, उनको संभाला, देन ही वाज पेसिफाइड। तो इसीलिए चोरी तो कर ली, लेकिन उसके लिए कोचिंग तो साथ में चाहिए होगी। तो दूसरा कारण यह था कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वभाव वाला क्या है, क्या स्वभाव है भाई, ऐसा क्या प्रेम हो सकता है। जैसे भक्त लोग जो कहते हैं आपके चरण कमल, आपके चरण कमल, इनको पता है इनके चरण कमल में क्या है। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर, इन्होंने अपने पांव के अंगूठे मुंह में लिया हुआ है, वो एक्चुअली बचपन में जब ये छोटे तो इन्होंने जब अपने पांव का अंगूठा अपने मुंह में लिया तो इनको बड़ा अमृत आया। कहते तब भी मैं कहूं ये भक्त लोग मेरे चरणों के में क्यों रहते हैं, यहां तो बहुत अमृत है, अपने चरण से ही अपने चरण के अमृत का पान करें भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण को ही नहीं पता अपने बारे में, साथ ही राधा रानी का प्रेम क्या है। ओके, एक तो कृष्ण को दो चीजें नहीं पता, एक मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं तो छल छबीला, मैं तो झूठी बोलता, चोरी भी करता, और इनका प्रेम इतना बड़ा अद्भुत है, इनके प्रेम से मेरे जैसे व्यक्ति को जब ये प्रेम कर लेती हैं तो इनको अनुभव क्या होता है। तीसरी बात, एक है कि मेरे में ऐसा क्या है, दूसरा उनके प्रेम में ऐसा क्या है, उनके प्रेम से मेरे को जब प्रेम करना हुआ तो उनको अनुभव क्या हुआ, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस। ये अनुभव जानने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं एक बहुत ही विशेष रूप, और वह है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ये तीनों चीजें समझने के लिए, अब ये प्रेम समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, क्या लगता है आपको, है जी, क्या भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझ पाए नहीं समझ पाए, कौन मानता है समझ गए, इंटेलिजेंट है भाई, भगवान है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो समझ पाए नहीं समझ पाए, क्या लगता है आपको, समझ पाए हाथ खड़ा करें, कौन मानता है नहीं समझ पाए, अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है, कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही है, असल में समझ ही पाए लेकिन नहीं भी समझ पाए, नहीं समझ पाए इसका क्या सबूत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे तो 7.5-8 feet लंबे थे, वेरी टॉल, लेकिन जब वो कीर्तन करके नाचते थे तो कभी कभी जब जमीन पे गिरते थे तो 15-15 feet लंबे हो जाया करते थे, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू हैंडल, उस प्रेम को संभाल नहीं पाते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के अंदर बहुत 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 भक्ति भरी हुई है, बड़ा भक्ति वाला प्रेम है उनका। तो श्रीमती राधा रानी का देखो इस प्रेम को तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए तुमको मेरी एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, और वो है मेरा कॉम्प्लेक्शन, तो मैं कॉम्प्लेक्शन से तुमको पूरी तरह से रैप कर दूंगी। तो इसीलिए चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर हो गए गौर सुंदर, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो श्रीमती राधा रानी क्या, बाहर से रैपिंग कर दी कि अंदर से कोई चीज बाहर फटके ना जाए, अंदर ही अंदर रहे, अनुभव भी हो जाएगा इनको और ये बने भी रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रेम फूट फूट के जब बाहर निकलता है तो वही
साढ़े सात आठ फीट लंबे चैतन्य महाप्रभु 15-20 फीट लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अंदर प्रेम जो है इतना वो भरा हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं आपको मेरा भाव चाहिए, ठीक है जी, साथ में कोचिंग भी चाहिए और साथ में मेरा कॉम्प्लेक्शन भी चाहिए। मेरे कॉम्प्लेक्शन के बिना नहीं समझ सकते आप, नहीं समझ सकते कि वास्तव मेरे प्रेम का स्वभाव क्या है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए आते हैं, बट ही हैज टू कंप्लीटली रिलाई ऑन श्रीमती राधा रानी। मम्मी और पापा में ज्यादा दयालु कौन होता है? मम्मी, नंबर खराब आते पिता, पापा तो ब्लैक बेल्ट है धूंधे, लेकिन बचाता कौन है? मम्मी, मम्मी बचाती है। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी ये हमको बचाती है। तो श्रीमती राधा रानी जो है इनका प्रेम, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन कृष्णा, शी इज मोर पावरफुल देन कृष्णा एंड शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। ये कृष्ण से सैकड़ों गुना अधिक सुंदर है, सैकड़ों गुना दयालु है श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी जो है सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली भी है कृष्ण से। रियली? राधा रानी इतनी शक्तिशाली है? हाँ जी। एक समय ऐसा हुआ था, दो राक्षस थे हर्षण एंड मर्षण, ये दो दो राक्षस थे, ये विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया करते थे, इसलिए इनके पास बहुत शक्ति थी। इतनी शक्ति थी कि ना विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें तो ब्रह्मास्त्र का असर ना हो इनके ऊपर, पाशुपत अस्त्र का असर ना हो इनके ऊपर। तो भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु ने कहा भाई सुदर्शन, अरे भाई सुदर्शन में काम नहीं करेगा क्योंकि ये लोग तो करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो आज तो कृष्ण भगवान के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण के पास गए, कृष्णा ये दो राक्षस हैं हर्षण एंड मर्षण, बहुत शक्तिशाली हैं, इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं, तो विष्णु भी मान नहीं पा रहे क्योंकि उन्हीं के तो नाम का जप करते हैं। तो कृष्ण का ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा कि लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं। कहता कृष्ण आप भी नहीं मार सकते इसको इनको? कृष्ण का नाम इनको तो मैं भी नहीं मार सकता, तो फिर कौन मारेगा? आपसे ऊपर और कौन है? तो वहां श्री कृष्ण का एक व्यक्ति जो मेरे से भी ऊपर है वो है श्रीमती राधा रानी। कहते राधा जी मारेंगी? हाँ जी राधा जी मारेंगी। तो फिर कृष्ण जो है भगवान विष्णु को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, देवी देवताओं को लेकर पहुंचे श्रीमती राधा रानी के पास, बताया हे श्री राधे एक राक्षस है उनका नाम हर्षण मार्षण है, उनको कोई नहीं मार सकता, उनको सिर्फ आप ही मार सकती हैं। उन्होंने कहा ठीक है अगर आपकी ये इच्छा है, ठीक है। और उस वक्त श्रीमती राधा रानी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उनका अपना खुद का सुदर्शन चक्र है, बोरोड नहीं, कृष्णा वो आपका सुदर्शन चक्र थोड़ी देर के लिए बन सकता है, मैं वापस कर दूंगी। ना, श्रीमती राधा रानी का खुद का सुदर्शन चक्र है। श्रीमती राधा रानी ने सुदर्शन चक्र निकाला और हर्षण मार्षण को मार दिया। सबने कहा अरे भाई, यानी कृष्ण को भी सिल्वर मेडल है, गोल्ड मेडल किसके पास? तप्त कांचन गौरांगी, गोल्ड मेडल इनके पास है। हाँ, तो सबसे अधिक शक्तिशाली भी श्रीमती राधा रानी है, सबसे अधिक सुंदर भी श्रीमती राधा रानी है, और कृपा में भी सबसे ज्यादा कृपालु है श्रीमती राधा रानी। तो उनका सबसे ऊंचा जो प्रेम है इसका अनुभव करने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सो कल भी जैसे चर्चा करते राधा कृष्ण, तो भगवान वैसे हैं राधा कृष्ण, लेकिन उसमें बेटर हाफ कौन है? राधा रानी। ये तो आपने देखा जो वर्ड आया ना इंग्लिश में, कोई वाइफ होती है ओ शी इज अ बेटर हाफ, ये बेटर हाफ वाला आया कहां से शब्द? ये आया श्रीमती राधा रानी से, क्योंकि राधा कृष्ण में हु इज दी बेटर हाफ? श्रीमती राधा रानी इज दी बेटर हाफ, कृष्णा इज दी बटर हाफ, हम लोग हैं बेटर हाफ, पर राधा रानी इज द बेटर हाफ। कृष्ण बटर है, बटर हाफ है, लेकिन बेटर देन दी बटर इज श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए उन श्रीमती राधा रानी जो कि सर्वश्रेष्ठ है, शी इज दी बेटर हाफ, राधा कृष्ण में भी शी इज दी बेटर हाफ, द हाफ विच इज बेटर देन दी अदर इज श्रीमती राधा रानी। तो उनका प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये है आंतरिक कारण उनके प्रकट होने का। तो तीन चीजें हैं, एक मेरे में ऐसा क्या है, दूसरा उनके प्रेम का स्वभाव क्या है, और वो उस प्रेम से जब मेरे वैसे व्यक्ति को जब प्रेम करती तो उनको अनुभव क्या होता है, तीसरा, ये तीन कारण है जिसकी वजह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और जब वो आते हैं तो उस वक्त कई मतलब देवी देवताओं ने उस वक्त सारा काम डेलीगेट कर दिया, कहते हैं भाई ये तो ये बहुत विशेष लीला हो रही है इस वक्त, इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए उस लीला का अनुभव को देखने के लिए देवी देवता भी आया करते थे भगवान की लीलाओं में, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंदर। लेकिन
अब चैतन्य महाप्रभु ने अगर एक बार समझ लिया फिर और तो फिर दोबारा आने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने समझ तो लिया, मैं आया, मैंने ओके मुझे अब आपने आपकी शॉर्ट हैंड वाली किताब थी तो किताब मैंने पढ़ ली और मुझे समझ में आ गई, तो आई एम डन, प्रोजेक्ट खत्म, ऐसा नहीं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम भी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो सर आपने यहाँ तक तो सीख लिया था लेकिन प्रेम भी अब और आगे बढ़ गए हैं, तो इसीलिए इनको चैतन्य महाप्रभु को फिर से आना पड़ता है ये जानने के लिए वो बढ़ाओ प्रेम कौन सा है जी। फिर जब उन्होंने वो जान लिया उसका, लेकिन श्रीमती राधा रानी का प्रेम तो और बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो इसलिए इनको फिर से आना पड़ता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु रूप में बार 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 आना पड़ता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम भी बढ़े जा रहा है, 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 बढ़े जा रहा है। एक्चुअली कई बार ना ये बहुत अजीब सा लगता है सुनने में, यार इतना प्यार भी कुछ होता है, इतना प्यार हमने तो कभी किसी नहीं किया। तो ये जो प्रेम का जो जगत है ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहां पर प्रेम में जब अश्रु बहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जब अश्रु बहा करते थे तो सिरिंज कितना ऐसे निकल के आकर, किसके ऐसे आंसू हैं, दो चार ऐसे बह लेते हैं, दो चार चम्मच में इकट्ठे हो जाएंगे, एक दो, या ये इतने आपके आंसू हो गए स्वाहा। लेकिन कोई ऐसे आंसू निकाले, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक होता है भाई, ठीक होता है। वन ऑफ द रीजन हम देखते हैं टेलीविजन में हमने महाभारत रामायण देखी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कोई टीवी सीरियल वगैरह ऐसा नहीं बना। उसका एक कारण तो यह है कि भगवान अपने अवतार को छन्ना अवतार रखते हैं, बिकॉज हिडन रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, छन्ना अवतार है। दूसरा है कई चीजें ना टीवी में दिखाई नहीं जा सकती, कैसे दिखाएंगे चैतन्य महाप्रभु के इस की जो हमने बता अभी जो चर्चा की, इसको कैसे दिखाएंगे? कोई व्यक्ति कीर्तन करे और नृत्य करे और उसकी आंखों से ऐसे अश्रु बहे, ये कोई कैसे हो सकता है? दिखाएंगे तो कह देंगे ये तो VFX है भाई, और ये VS इफेक्ट है, इफेक्ट है और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं छन्ना अवतार होने की वजह से टेलीविजन में इतनी आई नहीं, कभी आए तो वो DD1 में आकर के निकल भी गई, इसको पता भी नहीं चला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो छन्न है, यानी छुपे हुए रहते हैं इसीलिए। और क्यों छुपे हुए रहते हैं? उनकी खुद की इच्छा से, लेकिन जिनको देना होता है देते भी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको कृपा देनी हो तो उनको देते भी हैं। लेकिन जितनी मधुरता, सोचिए ना, राधा रानी में भी मधुरता है, कृष्ण में भी मधुरता है, दोनों की मधुरता मिल जाए वो क्या मधुरता होगी, वाओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए अष्टमी के दिन, राधा रानी आई अष्टमी के दिन, अष्टमी 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 और अष्टमी मिल जाते क्या होता है, आधा चांद आधा चांद, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी और अष्टमी मिले आप क्या बन गए, पूर्णिमा। तो इसलिए है गौर पूर्णिमा, तो राधा कृष्ण आए हैं युगल रूप में, पूर्णिमा दोनों की अष्टमी है ना इसीलिए। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो पूर्णिमा के दिन आते हैं, और यही गौर पूर्णिमा है जो नए, जो कि वास्तव में नया साल होता है। ऐसी गौर पूर्णिमा के दिन हम सबको बोलना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन उस दिन कोई नहीं बोलता हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं वो 31 की रात को, सर्दी का दिन, रात के 12 बजे जब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आपस में घूम रहे होते हैं तब बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मतलब अंधेरी रात में होगा, तमोगुण के समय में, जब भूत प्रेत पिशाच एक्टिव है ना, जब ये बसंत का मौसम आता है। अब देखो मौसम बड़ा अच्छा हो गया अभी, राइट, मौसम बड़ा अच्छा है, और रात को नहीं, हाँ जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और कौन सा दिन होगा, गौर पूर्णिमा का दिन। तो जब गौर पूर्णिमा आएगी तो गौर पूर्णिमा के दिन हम सबको बोलना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ बोले हैप्पी गौरंगा कॉन्शियस न्यू ईयर, ऐसा। तो सर्वोत्तम जो मधुरता है वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंदर है। इसलिए हमारे एक बहुत ही सुंदर, हमारे गौरगोविंद महाराज सर के प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने एक बड़ी सुंदर एनालॉजी दी। उन्होंने कहा, आपने आम को देखा है, जो कच्चा आम होता है वो कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। राम जी का रंग कौन सा है? हरा। अच्छा, आम जब बहुत ज्यादा पक लेता है तो कौन से रंग का होता है? काले, काले रंग का होता है। कहते ये जी तो ये तो आम पूरा ही सड़ गया है, तो ये है जी, ये तो है भगवान कृष्ण का रंग है, ये तो काला रंग। आम सबसे अधिक मीठा कब होता है, कौन से रंग का होता है वो? पीला। तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक जो मधुरतम रूप है वो है श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में। सारी रियलाइजेशन, सारे साक्षात्कार, सबसे अधिक परिपक्व रूप में जो आता है वो रूप है वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य
महाप्रभु का रूप है, सबसे अधिक मधुरतम है ऐसा। और साथ ही जब श्री कृष्ण के रूप में जब आए श्री श्री गौरंग महाप्रभु, तो ये जो रूप है श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। एक समय ऐसा हुआ, हमारे आचार्य हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक रियलाइजेशन बताया कि ना जब नाम जप करके पूरी तरह से जो सिद्ध हो गए, वो सिद्ध होकर के वो पहुंचे श्रीमती राधा रानी के कैंप के बाहर, भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन के अंदर, तो बाहर खड़ी थी ललिता सखी। तो श्री भक्ति ठाकुर जी ने बोला, मुझको ना श्रीमती राधिका जी से मिलना है। तो ललिता सखी ने कहा, टाइम नहीं है अभी, शी इज़ बिजी, आप फिर कभी आइए प्लीज़, अगर मिलना होता तो बड़ा अच्छा रहता। एंड नहीं जी प्लीज़ आप जा सकते हैं अभी, अभी नहीं, नॉट नाउ, शी इज़ थिंकिंग ऑफ कृष्णा, तो अभी आप जाइए। अच्छा एक बार उनको अंदर बोलो, एक बार बोल दीजिए ना। तो अंदर की ललिता सखी कि ना बाहर कोई आई आपसे मिलने के लिए। राधा रानी ने कहा, मैं किसे नहीं मिलूंगी, उनको बोलिए फिर कभी आए। वो बाहर रहेंगे, तो देखो राधा रानी ने मना कर दिया अभी। तो फिर श्री भक्तों ठाकुर जी ने बोला, अच्छा उनको बोलिए मैं गौरवादी हूँ, आई एम फॉलोअर ऑफ गौरंगा। तो ललिता सखी ने अंदर जाके बोला, हे श्री राधे, वो बोल रहे हैं, वो बोल रही कि ना वो गौरवादी है। राधा रानी का तुरंत अंदर लिख रहा है, तुरंत तो वैसे तो हमारी अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हमारे आधार कार्ड में लिखा होगा कि हम तो गौरवादी हैं, दैट वी आर फॉलोअर्स ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु, हमारी तुरंत एंट्री हो जाएगी। बोला बोला राधा रानी कहेंगे, आ जाओ यस इज कम। सो इसलिए ये हमारा सौभाग्य वास्तव में कि हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, कितना गहरा प्रेम है उनका ये। तो यहाँ पर उनके आने का आंतरिक कारण भी था, जो तीन कारण है, साथ साथ में उनके आने के कुछ बाह्य कारण भी हैं कि वो यहाँ पर क्यों आते हैं। वो यहाँ पर देने के लिए आते हैं कलयुग की विधि, जो आत्म साक्षात्कार की विधि, कृष्ण प्रेम देने के लिए आते हैं। तो वो जो कि सतयुग में 60,000 साल की तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होता, 60,000 साल की तपस्या करके वैकुंठ प्राप्त होता है, गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं होता, वैकुंठ प्राप्त होता है। नारायण 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 वो प्राप्त हो जाएगा आपको 60 साल की तपस्या करके, लेकिन हम 60,000 साल की तपस्या करके, लेकिन कलयुग हमारे पास है 60,000 साल कहाँ जी, लोग 60 साल कुछ करके दिखाते, बहुत बड़ी बात है जी। तो इसलिए वो चीज जो कि 60,000 साल की तपस्या करके सतयुग में नहीं मिला करती थी, उससे भी कीमती चीज मिलती है कलयुग के अंदर। कैसे? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसके अंदर ये सारा कृष्ण प्रेम डाला है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। ये वही महामंत्र है जिसका कि वृष भानु जी ने जप करके श्रीमती राधा रानी को प्रकट कराया अपने घर पे। उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा ना, राधा रानी प्रकट हुई, कुछ खास किया होगा उन्होंने, दैट इज दिस महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये इसी महामंत्र के अंदर और स्पेशल पोटेंसी डाल करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हम कलयुग वालों को देने के लिए आए हैं ये महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन। देखते ही कारण, दूसरा कारण क्या था इनके आने का, कि महाविष्णु या शिव जी एक बहुत ही विशेष अवतार में आए, उनका नाम था अद्वैत आचार्य। उन्होंने देखा कि ना ये लोग, मतलब लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए संसार में, इतने गुम हो गए हैं, मतलब इनको बोलो भी हरिनाम लेने के लिए ये कुछ भक्ति वगैरह नहीं करते। तो है तो महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड इनकार्नेशन, उनका मैं सुदर्शन चक्र निकाल करके ना गलाई काट दूंगा इन लोगों का। तो फिर ना उन्होंने शास्त्र में पढ़ा, अगर भगवान की आराधना की जाए, शालिग्राम की आराधना की जाए गंगा जल से, तुलसी दल से, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी ने उनका आह्वान किया कि हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपीनाथ हे श्याम सुंदर, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए इस कलयुग के अंदर आपके विशेष अवतार में। अगर आप नहीं प्रकट होंगे, अगर नहीं प्रकट होंगे तो मैं सुदर्शन चक्र से इन सबका गला काट दूंगा। तो भगवान ने कहा, अरे भाई तो बहुत इमोशनल हो रखे हैं, तो इसलिए हमें आना पड़ेगा। तो श्रीमती हे श्री राधे चले। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य जो कि है कौन, महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड इनकार्नेशन, उनकी इस पुकार को सुन करके राधा कृष्ण इस जगत में आते हैं, ये एक और कारण है। और साथ ही जगत में हम सबका कल्याण करने के लिए भी आते हैं, तो हरिनाम संकीर्तन भी देते हैं, हमारा कल्याण भी करते हैं, और साथ ही अद्वैत आचार्य जैसे शुद्ध भक्त की पुकार को सुनकर के आते हैं। उनकी पुकार में इतनी तीव्रता थी, इतनी गहराई थी कि ब्रह्मांड की जितनी लेयर्स हैं उनको चीरती हुई उनकी आवाज भगवान के धाम पहुंची। तो कभी हम नाम लें तो ऐसे नाम लें, ऐसे हृदय से हो कि सारे ब्रह्मांड की सारी लेयर चीरते हुए नाम की पुकार पहुंचे तो भगवान के धाम तक पहुंचे, ऐसे नाम लेना चाहिए। हम लोग जैसे नाम लेते ना, अरे ये तो पड़ोस तक नहीं जानी आवाज़,
ये ब्रह्मांड चीर के तो पहुंच चुकी फिर आवाज। तो इसीलिए नाम लेना चाहिए तो अद्वैताचार्य के जैसे लेना चाहिए। गोलोक वृंदावन ने भगवान सोचे कि कौन है भाई जो ऐसे हृदय से पुकार रहा है हमको, कौन है ये कृष्णदास, कौन है ये कृष्णदासी। तो राधा कृष्ण जो है उतर करके हृदय में प्रकट हो जाए, दैट इज द वे ऑफ चैंटिंग द होली नेम। ये तरीका है वास्तव में भगवान का नाम लेने का। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। बाकी किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है, कुछ प्रश्न लेंगे फिर समाप्त करेंगे। हाँ जी माता जी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी आपने बताया कि कृष्ण प्रेम बढ़ते जा रहा है तो उनका भी अवतरण बार बार होएगा, तो ये फिर क्या ऐसे 1000 कलयुग के बाद? हाँ, बाकी युगों में ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते, उसमें भी भगवान, क्योंकि भगवान की नाम की महिमा तो हर कलयुग में, तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आते, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण नहीं आते। भगवान का एक अवतार आता है, उसको बोलते हैं गौर नारायण। तो गौर ही है लेकिन वो नारायण ही है वास्तव में। वो भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं वो, लेकिन वो मंत्र देते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र देते हैं वो गौर नारायण। लेकिन जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो फिर 1000 कलयुगों में एक ही बार आते हैं। यानी इसके बाद के 999 कलयुगों में भगवान आएंगे, लेकिन स्वयं राधा कृष्ण नहीं आएंगे, गौर नारायण आएंगे और वो ये महामंत्र देंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं जी हरे राम पहले, आपने हरे कृष्ण पहले कैसे कर दिया? जी बाकी कलयुगों में यही चलना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो ये महामंत्र तो ये होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, और कोई सवाल? हाँ जी पूछिए। यस हाँ जी, हरे कृष्ण। अभी आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की टेंडेंसी है कि सबको कृष्ण प्रेम बांटते। यस, तो अगर ऐसा है तो फिर इस कलयुग के अंदर वो भी टेंडेंसी क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्योंकि लोग आते नहीं तिजोरी के पास, वो घूम रहे हैं, तिजोरी खुली हुई है, कोई आए ही नहीं तो हम क्या करें? महाप्रभु ने तिजोरी खोली, ना सिर्फ तिजोरी खोली बल्कि कह रहे हैं मैं इसको बांट नहीं पाऊंगा अकेले, मुझे और लोगों की हेल्प चाहिए। मायापुर वासी प्रभु ये तिजोरी में ना वो प्रेम है, ये उदयपुर वालों को बांट दो ना उन, वो तो औरों की हेल्प मांग रहे हैं। कहां भगवान कृष्ण के रूप में ही वॉज कंसीलिंग इट, छुपा के रख रहे थे इसको, लेकिन यहां पर तो कह रहे अरे ले जाओ कृष्ण प्रेम ले जाओ, मुझे और लोगों की हेल्प चाहिए, मैं अकेले नहीं बांट पाऊंगा इतना। पर लोग ही घूम रहे हो मॉल के अंदर घूम रहे हैं, वो शॉपिंग करने कहते हैं वेल दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण प्रेम यू नो व्हाट यू आर डूइंग मॉल इज डूइंग शॉपिंग यू नो। तो जो आए ना तो फिर उसको क्या करें? जैसे उल्लू होता है ना, वो क्या करता है दिन में आंखें बंद कर लेता है, कहता है सूरज निकला नहीं, सूरज कहाँ निकला? सर आंखें खोलेंगे तो सूरज नजर भी आएगा। तो इसलिए महाप्रभु तो बांट रहे हैं कृष्ण प्रेम, हम लेने वाले बने वो देंगे, वो 60,000 साल की तपस्या भी नहीं करनी थी, हम एक जीवन देते बस, दैट्स इट। कलयुग में एक जीवन देते हैं, मैं 60 साल छोड़ो, अरे कुछ साल तो दे दो, तो कुछ नहीं दे पाते हम लोग, कुछ नहीं दे पाते, बिजी हैं हम लोग दुनिया के अंदर। मतलब सोचिए, मैं बताऊँ कलयुग में क्या हाल है। अगर भगवान अपना वैकुंठ का गोलोक वृंदावन का यान लेके यहाँ खड़े हो जाएंगे ना, अगर चलो जी आ जाओ जिसको चलना है चलो, तो लोग भी डाउट होने अब यार ऐसे कैसे है? यार मेरी शादी अभी हुई नहीं यार, है तो भैया अभी, लेकिन अब बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं जी, अब बेटे की शादी भी तो करनी है अभी, अब वैकुंठ चले जाएंगे तो फिर बच्चों की शादी कौन करेगा? मेरी प्रमोशन ड्यू है तो अभी चले जाएंगे तो प्रमोशन पे भगवान बुला रहे होंगे, आइए जी आइए, मैं लेके जा रहा हूँ, कोई नहीं करनी तपस्या साधना, चले धाम। भगवान आप कल आ सकते हो, मतलब आज थोड़ा हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं हम लोग, मैंने आज शाम को ना वो मेरी वाइफ ने पकौड़े बनाए हैं, कल आते हैं बस, कल आप बस। हम तो भगवान खुद आए तो उनको चकमा दे के भाग जाए, तो ऐसा है कलयुग वालों का हाल इसीलिए। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? हाँ जी बताइए माता जी। यस
ओके, कृष्ण भला कौन सी परीक्षा लेते हैं? इसमें मैंने बताया, एक तो दुख की परीक्षा है, दुख की परीक्षा पार कर लेता है, उसकी परीक्षा है सुख की परीक्षा, वहां बहुत सुख देते हैं। तो सुख के बाद फिर परीक्षा होती है धैर्य की परीक्षा। हाँ, धैर्य की परीक्षा, कृष्ण वेट कर रहे हैं आपका नाम जब और कितना गहरा होता है तो कृष्ण आपकी धैर्य की परीक्षा रहते हैं। तो जो धैर्य की परीक्षा में जो कहता है, प्रभु हमने तो अपने सारे जन्म आपको दे दिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहितुकी त्वयि, तो अब भाई ये तो यानी धैर्य की परीक्षा पार करेंगे वो। हाँ, तो इसीलिए जो सबसे कीमती चीज है उसके लिए करना पड़ता है ऐसा। ना धनम, भगवान कहते हैं भाई क्यों, भाई क्या हो गया, क्यों कर रहे हो इतना हरे कृष्णा, पैसा दिए क्या, दे देंगे हम। ना धनम, अच्छा तो ऐसा करते हैं तुमको पॉपुलैरिटी दे देते हैं, तुमको खूब फेमस कर देंगे, खूब जयकारा होगा तुम्हारा, ठीक है। ना जन्म, मुझे जन्म वगैरह भी नहीं चाहिए, मेरे जय जयकार करने वाले मोटी मोटी माला में। अच्छा, ना जन्म, ओ एक तो भैया सबको चाहिए सुंदरिम, तनुम 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 तनुम, दे दे कोई हैंडसम सा लड़का, दे दे कोई सुंदर सी कुड़ी, दे दे ले लो, दे दूंगा एकदम सारे, एकदम सर्वगुण संपन्न, संस्कारी, घरेलू, प्यार करने वाली, ऐसा पति जिसको बोलो बर्तन मांजे तो मांज दे, तथास्तु। ना सुंदरम, अरे ना सुंदरम पागल हो गया तू, अरे तो तू मोक्ष वाला है, तेरे को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अरे कहीं बैठे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां बैठे हैं ऋषिकेश में, अभी देता हूँ मुक्ति ना, वो मम जन्मनी जन्मनीश्वर है, मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे को, मुक्ति भी नहीं चाहिए तो बड़ा पागल आदमी है, तो इसको धन नहीं चाहिए, इसको जन नहीं चाहिए, इसको सुंदरी नहीं चाहिए, इसको मोक्ष नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या तेरे को, भवता भक्तिर अहितुकी त्वयि, माया परीक्षा लो इसकी, ये तो मेरे को ही मांग रहा है, He wants me। उसके बाद फिर सुख दुख और धैर्य की परीक्षा होती है, बाकी चीज भगवान जल्दी दे देते, बहुत जल्दी दे देते, लेकिन क्या रुक रुक के देते हैं, वो है अपनी खुद की भक्ति, क्योंकि भक्ति से खुद बन जाते हैं, कृष्णा गेट्स बाउंड, इसलिए फिर थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यस, लेकिन हमने बोल दिया प्रभु आप धैर्य के जितनी परीक्षा लेने लो, एक जन्म, दो जन्म, सौ जन्म, यस, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, मेरे प्रभु तेरी कसम। हाँ, तो हम जो इतना भगवान इतना बोल देते हैं हम लोग, भगवान क्या बात है भाई, धैर्य में पूरे मार्क्स हैं इसके, तो दो जी कृष्ण में राधा रानी, फिर इनको कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी यस। तो फिर श्रीमती राधा रानी जो है निश्चित रूप से, बल्कि शी रिकमेंड्स, ये बस ये बहुत हो गया, वो इतना धैर्य रखा हुआ है दो से, अभी और नहीं करना क्या, प्लीज कृष्णा प्लीज, भक्त ने अपना जीवन दे तो दिया अपना है दो से, ठीक है जी। देन कम्स ऑल दैट विच इज ग्रेट इज नॉट चीप एंड ऑल दैट विच इज चीप इज नॉट ग्रेट, सस्ती चीजें महान नहीं होती और महान चीजें सस्ती नहीं होती, हाँ जी देना पड़ता है, सबसे कीमती से पूछा कुछ है ही नहीं कुछ, ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का, यस हाँ जी, वास्तव में जब हमारे कोई नियर एंड डियर में जाते हैं, कोविड था, कोविड में कहीं हो गए नियर एंड डियर में चले गए, तो लोग भगवान से नाराज हो गए, क्या क्या भगवान ने क्या किया, हमारे सगे संबंधी को छीन लिया, पर वो भला क्यों छीनेंगे, उन्होंने खेती बाड़ी करानी अपने यहाँ पर, कि मेरे खेत कौन जोतेगा, इसका पति छीन लेता हूँ, कि चल तू आ गया अब यहाँ टट्टे चला यहाँ तुम्हारे गोलोकनाथ में, ऐसा क्या मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस। कर्मों के अनुसार हम जीते हैं, कर्मों के अनुसार हम मरते हैं, हमारा प्रारब्ध है। तो जो व्यक्ति कोविड से नहीं मरेगा वो मलेरिया से मर गया,
कई लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, अच्छे खासे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और इस प्रकार से हमारी अगली योजना है बाबूजी निपट जाते हैं लोग। मेरा एक दोस्त था, वो योगा सिखाया करता था, शीर्षासन लगाते लगाते मर गया वो, पार्क में लोगों को सिखाया करता था, होता है ना निक्कर पहन के लोगों को सिखाते हैं, वो सिखाया करता था, देखिए आज हम शीर्षासन लगाएंगे जिसके होता क्या, इससे बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बीपी रेगुलेट हो जाता है, लगाया उसने इस प्रकार से शीर्षासन लगाते हैं, धाड़ उसकी नब्ज चेक की गया, 24 साल का बंदा, शरीर में एक बीमारी नहीं उसके, योगा सिखाता भाई, योगाचार्य है वो, कैसे मरा, शीर्षासन लगा के मर गया। तो मर कब, मृत्यु तो कब कैसे आई कुछ नहीं पता। एक केस स्टडी थी, एक अखबार में आई थी, एक परिवार था, ये बाजार से वो होता ना बथुआ वगैरह वो लेकर के आए, उस बथुए के बंडल के अंदर एक एक कोबरा का बच्चा था, वो बंडल था उसको लेके उन्होंने फ्रिज में रख दिया, हाँ जो दही में गिरा उसका दही ने सबने पाया, 2 घंटे के अंदर पूरा परिवार खत्म, फिनिश्ड। तो फिर हम क्या करें, भगवान को दोष दें, प्रारब्ध के अनुसार ही जीना है, प्रारब्ध के अनुसार ही मरना भी है, क्या करें भगवान से नफरतें करके, भगवान कहेंगे भाई मेरा इसमें कुछ है नहीं, तुम्हारे कर्म है तुम भोग रहे हो, ये तो वही हो रहा है जो जज बोलता है, देखिए आपने क्योंकि मर्डर किया है तो दफा 302 के तहत ताजर आते हैं आपको फांसी की सजा दी जाती है, और उसके रिश्तेदार जो है जज से दुश्मनी कर ले, भाई इसने फांसी की सजा दी है यार टपका दो इसको, ठीक है, जज कहेगा मैंने क्या किया जी, उसने खून किया सजा उसको मिलनी थी, ये दिस इज द लॉ, सो वी अंडर द लॉ ऑफ कर्मा, दैट्स इट। तो कोई चला गया, इन्होंने छीन लिया हमारी कुछ यादें गई नहीं गई इनसे, हाँ क्यों नहीं, वो बेचारे उनके पास और कोई काम तो है नहीं, कुर्सी लगा के बाद भी खुशियां देखे जलते रहेंगे भगवान, तो इसीलिए थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, महाकाल मतलब शिवजी राइट, आप कल के प्रवचन में थे नहीं, कल हमने पूरा प्रवचन शिवजी के ऊपर ही दिया था, कल हमने 2 घंटा शिवजी को ही दिए, अच्छा तो ठीक है, हम आपको बताते हैं कि ना शिवजी में और कृष्ण मला क्या संबंध है। ठीक है, वैसे ना भगवान का कोई भी स्वरूप माया के संपर्क में नहीं आता, ऐसे भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण हो, नरसिंह भगवान हो, माया के संपर्क में नहीं आते, लेकिन अगर भगवान का कोई ऐसा रूप है ही नहीं जो माया के संपर्क में आए तो भगवान तो अधूरे हो जाएंगे। तो भगवान का एक विशेष अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि माया के संपर्क में आता है, माया से दूषित नहीं होता लेकिन माया के संपर्क में आता है, और वो अवतार है महाकाल। महाकाल शिवजी ये माया के संपर्क में आते हैं, माया शक्ति कौन है, पार्वती दुर्गा देवी सिंहवाहिनी, तो इसलिए शिवजी आते हैं माया के साथ में इस प्रकृति की जो है इसकी रचना करने के लिए, संरचना करने के लिए, जो प्रकृति होगी कैसे प्रकृति चलेगी, कैसे प्रकृति चलती है, क्यों भगवान महाविष्णु का दृष्टिपात जब प्रकृति पे होता है तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और फिर इसमें रचना होनी शुरू होती है, फिर ब्रह्मा जी आगे और रचना देखते हैं, लेकिन शुरू शुरू का सारा काम तो भगवान महाविष्णु देखते हैं, उनका ग्लैंस उनका दृष्टिपात। ये दृष्टिपात भला क्या है, ये दृष्टिपात है महाकाल, ये दृष्टिपात है शिवजी, शिवजी जो कि भगवान महाविष्णु का ही दृष्टिपात है, इसके बाद प्रकृति संचालित होती है, फिर इसमें जो काल शक्ति है, काल शक्ति से फिर प्रकृति के 3 गुण सतगुण रजोगुण तमोगुण इनके फिर और फिर रचनाएं होनी शुरू होती हैं, इंद्रियां बनती हैं, मन बनता है, बुद्धि बनती है, अहंकार बनता है, विद्या बनती है, अविद्या बनती है, और इस प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब बनता है। पर शुरुआत कैसे होती है, जब महाकाल यानी शिवजी जो कि है भगवान विष्णु का दृष्टिपात, ये जब प्रकृति पड़ता है तो प्रकृति फिर चलायमान होती है। तो इनका और इनका कनेक्शन क्या है, महाकाल और कोई नहीं है भगवान महाविष्णु का दृष्टिपात ये है। तो शिवजी का स्थान क्या है, शिवजी जो है साधारण जीवात्मा नहीं है, इसलिए वो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, उनका जन्म नहीं होता, लेकिन साथ ही परम भगवान भी नहीं है ये, परम भगवान कौन, कृष्ण, ये बीच का तत्व है हमारे और भगवान को कनेक्ट करने के लिए, बीच में जो गुरु का तत्व है वो है शिवजी। इसका गुरु तत्व क्या है, गुरु भगवान भी नहीं है और गुरु साधारण जीव भी नहीं है, उस तरह शिवजी भी भगवान परम भगवान भी नहीं है लेकिन साधारण जीव भी नहीं है, ये गुणातीत है, प्रकृति 3 गुणों के परे हैं ऐसे। तो शिवजी का तत्व जो है वो बेसिकली गुरु तत्व के समान बीच का तत्व है ये, लेकिन शुद्ध है, निर्मल है, बहुत पवित्र है, इसलिए जितने तामसिक जीव है उनका कल्याण का जिम्मेदारी किसको दी गई है, शिवजी को, क्योंकि सबसे निकट्टू लोग किसको दिए जाते हैं,
सबसे पवित्र व्यक्ति को, सबसे बेहतरीन व्यक्ति को। तो इसलिए आप देखो अक्सर ये चिल्लम गांजा लेने वाले किसको मानते हैं, बम बम बोले, क्योंकि ये लोग तामसिक जीव हैं। तामसिक लोगों का उद्धार का जिम्मेदारी किसको दी है भगवान ने, शिव जी को। इसमें वर्षा का डिपार्टमेंट किसके पास है, इंद्र के पास। तो हर एक एचओडी है राइट, तो तामसिक लोगों का एचओडी कौन, शिव जी। तो ये शिव जी का बहुत ही विशेष बड़ा पवित्र स्थान है। यानी सबसे कठिन प्रोजेक्ट भगवान कृष्ण किनको देते हैं, जो और कोई नहीं कर सकता, शिव जी को देते हैं, शिव जी को देते हैं ऐसा। तो ये है दोनों के बीच में कनेक्शन। बाकी आप कल का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, 2 घंटा हमने शिव जी पर चर्चा की, कई लीलाएं हमने चर्चा की उसमें शिव जी की और भगवान की। और कोई प्रश्न किसी का जी, हाँ जी बताइए माता जी। बना भगवान ने बनाया, हाँ शुरुआत कैसे होती है, जब हम लोग होते हैं कृष्ण बहिर्मुख, जब जीवात्मा भगवान की सेवा छोड़ करके अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर देखती है, तो इस प्रकार से पहली बार उसका संसार में आवागमन होता है, फिर यहाँ लॉ ऑफ कर्मा शुरू होता है। तो हर जीवात्मा के पास ये चॉइस है कि हम भगवान की सेवा करें या खुद की सेवा करें। अगर मैं सोचूं भाई मुझे खुद को मजा करने का यार, तो फिर वो संसार है वहां पर लॉ ऑफ कर्मा चलता है। पवित्र है लेकिन चॉइस, जैसे अभी हम यहाँ पर उदयपुर में हैं, यहाँ एक अच्छा सिटीजन बन के रहना या बदमाशी करना, ये हमारी चॉइस है, प्योर चॉइस। तो इस प्रकार से चॉइस का मिसयूज करके हम इस जगत के अंदर आते हैं, लेकिन चॉइस ने हमको डुबोया है तो निकालेंगे भी क्या, चॉइस। अब यहाँ ये चॉइस करनी है बस, ये चॉइस कर लेंगे निकलेंगे, गलत चॉइस से फंसे थे सही चॉइस से निकल लेंगे। सारा खेल इच्छाओं का है जी, इच्छाओं ने फंसाया है, निकालेंगे भी क्या, इच्छाएं, इच्छाएं सही करनी है बस हमें, और कुछ नहीं। ठीक है जी, हाँ जी पूछिए। हरे कृष्ण हाँ जी। हाँ श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अधिक सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली हैं, भगवान श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली हैं, सुंदर हैं और दयालु हैं, कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण ही चाहते हैं श्रीमती राधिका जो मेरा ही अवतार है, ये मेरे से अधिक सुंदर हो, मेरे से अधिक शक्तिशाली, मेरे से अधिक दयालु हो, ये कृष्ण की इच्छा है। माई डिवोटी बी मी मोर मर्सीफुल, मोर पावरफुल, मोर ब्यूटिफुल देन मी बाय माई विल, दैट इज कृष्ण। अल्टीमेट तो कृष्ण ही है, ऑफकोर्स अल्टीमेट तो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी अधिक यशस्वी बनाते हैं ऐसा। ठीक है जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ 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 परमात्मा भगवान कृष्ण का विस्तार है, परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, आत्मा के ऊपर है परमात्मा, परमात्मा के ऊपर है गर्भदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु के ऊपर है महाविष्णु, महाविष्णु के ऊपर है महासंकर्षण, महासंकर्षण के ऊपर है नारायण, नारायण के ऊपर कौन है अगेन महा वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण के ऊपर कौन है बलराम जी, बलराम जी के ऊपर कौन है श्याम सुंदर कृष्ण। तो ये परमपिता है, ये सारी हायरार्की है, उनका कोई नहीं जी, वो खुद ही है सब कुछ। क्या निराकार कुछ भी नहीं है, निराकार तो कुछ भी नहीं है, इवन निराकार ब्रह्म ज्योति भी जो है ना, निराकार ब्रह्म ज्योति भी एक गोपी है जो रासलीला में भगवान कृष्ण के साथ डांस करती है। ब्रह्म ज्योति भी पूरी निराकार नहीं है, जो ब्रह्म ज्योति है ना वो भी एक गोपी है, एक गोपी का नाम है ब्रह्म ज्योति, उनका आधार कार्ड वगैरह सब है, ब्रह्म ज्योति गोपी ऑफ कृष्णा आधार कार्ड, गा रहती है ऊंचा गांव उनका सब डिफाइंड है ना उनका। तो निराकार बेसिकली है क्या, निराकार तो भगवान से निकलने वाला प्रकाश है बस, दैट्स इट। नहीं भगवान निराकार नहीं है, भगवान से निकलने वाला प्रकाश निराकार, जैसे मेरी आवाज ये साकार है कि निराकार है, निराकार, लेकिन मैं साकार, तो निराकार कहां से आता है, साकार से, राइट। जैसे कि अब घंटे की आवाज टन, वो निराकार है लेकिन घंटा साकार है, फूलों की खुशबू निराकार लेकिन फूल साकार, साकार से आता है निराकार। तो जगत में आप जहां भी देखोगे
निराकार अकेले कहीं नहीं आता, निराकार तो साकार से ही आता है। तो साकार है कौन? भगवान। ठीक है जी। लेकिन ऐसा क्यों है ज्यादातर लोग भगवान को निराकार मानते हैं? एक तू ही निराकार, धन निरंकार, ऐसा क्यों? जैसे मान लो ना ये ऑल्टर है, कोई भगवान की फोटो ले बाहर से, अपना कैमरा है वो फोटो ले, उसमें क्या आएगी? रोशनी रोशनी आएगी। अरे भाई, तो प्रभु क्या है? रोशनी है। लेकिन अगर आपकी पुजारी के साथ दोस्ती है, यहाँ आप अंदर आ गए, आपने जगन्नाथ जी की तस्वीर ली, क्लिक। तो जो भगवान के नज़दीक हैं वो उनके रूप का दर्शन कर पाते हैं, जो उनसे दूर दूर हैं उनको रोशनी मानते हैं बस। क्योंकि दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग भगवान से दूर हैं, संसार में ज़्यादातर लोग दूर हैं, तो इसलिए उनको क्या मानते हैं? वो निराकार, सिर्फ उनको रोशनी मानते हैं बस। गॉड इज़ लाइट, बट वी कांट टेक गॉड सो लाइटली, इट इज़ जस्ट लाइट। तो कृष्ण रोशनी से ज्यादा है, रोशनी से निकल रही है उनके शरीर से। ठीक है जी। हाँ जी बताइए माता जी। यस राम हरे कृष्ण। प्रभु जी ना अभी जैसे हम सबको भगवान ने बनाया है, अपन सब भगवान के ही है, तो जैसे दुख होता है, मतलब सुख सुख होता है और दुख होता है, तो सभी लोग क्यों पाप, अभी पाप हो रहे हैं तो सभी लोग क्यों नहीं है ना भगवान के बारे में जान पा रहे, सभी लोग क्योंकि ना क्योंकि ना दुख में हमारे पास स्वेच्छा होती है। दुख में या तो भगवान के और नजदीक चले जाए या फिर नास्तिक हो जाए। कुछ लोग दुख में नास्तिक हो जाते हैं लोग। मैं मेरा था एक बार एक व्यक्ति से, मैं गीता पढ़ रहा था, मैंने उसको गीता दिखाया, आई एम एन एथियस्ट, मैं नास्तिक हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, आप भगवान को नहीं मानते, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा ये बताइए आप भगवान को क्यों नहीं मानते? और उसने ऐसा सेल्समैन नहीं दिखा था जो कहता आज छोड़ गीता छोड़ चल थोड़ी गप मारते। तो हुए उसने मुझे बोला, नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई एम एंग्री विद गॉड। मेरी बीवी किसके साथ भाग गई, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री वो फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, वो कहाँ है भगवान? तो ये व्यक्ति क्या है? दुख में नास्तिक हो गए, नास्तिक हो गए बल्कि थोड़े नाराज हो गए भगवान से। तो कभी कभी लोग दुख में नास्तिक भी हो जाते हैं, कहाँ है भगवान? जैसे कहीं के कुछ माता पिता दोनों चले बसे, या कहीं ना तीनों बच्चे कोविड में चले गए, तो भगवान को माना छोड़ दिया उन्होंने। जैसे वर्ल्ड वॉर जब थ्री हुई थी, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, कई लोग कई माताओं ने प्रार्थना की हमारा पति वापस आ जाए, हमारा पति जिंदा वापस आ जाए। अब सारे थोड़ी वापस आ जाएंगे, कुछ तो मरेंगे। तो जिनके पति मर लिए उन्होंने भगवान पर विश्वास छोड़ दिया, कहता है भगवान नहीं है जी, भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से भी चलती है दुकानदारी। तो इसलिए कई बार लोग नास्तिक भी हो जाते हैं, और कुछ तो नास्तिकता का प्रचार भी करते हैं। जैसे ना चर्च में जब लोग जाया करते थे यूरोप, जब वो दिन थे वर्ल्ड वॉर टू के दिन थे, तो कई लोग प्रार्थना करते थे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमारे रोज की रोटी दीजिए हमको, डबल रोटी दीजिए। तो बाहर बैठे होते थे कम्युनिस्ट अपना ट्रक लगा करके, कहते और भगवान से मांगा रोटी मिली नहीं मिली ना, हमसे मांग। तो इनसे मांगते, ओ यू कम्युनिस्ट गिव मी माई डेली ब्रेड, कहते ब्रेड ला, ब्रेड दे, मक्खन भी दे। ये लो जी ब्रेड, ये लो मक्खन, बता बड़ा कौन, भगवान या हम? तूने ब्रेड मांगी मिली नहीं मिली, हमसे मांगा ब्रेड भी मिली मक्खन फ्री मिला, बड़ा कौन? सर आप बड़े, अबे दही बड़े। ये जो ब्रेड आई है, ब्रेड कहाँ से आई है? गेहूं से। गेहूं कहाँ होगा? जमीन में, खेत में। खेत में शक्ति किसने डाली कि वहां पर जब आप बोओगे तो वहां से गेहूं निकलेगा? मतलब भगवान की फैक्ट्री से ला करके पॉलिथीन में लपेट कर बोलेंगे हमने दिया? ये नहीं पता, अंदर प्रार्थना करके आए थे तो भगवान ने बंदोबस्त किया, बाहर कम्युनिस्ट ले लो मक्खन भी देगा साथ में वो। तो ये चीज है, ठीक है ना। जैसे एक लड़की थी, वो एक भगवान को बड़ा मानती थी, आपकी जैसी थी वो, भगवान को मानती थी। और तो एक नास्तिक था, उसने बोला क्या तू बोलती रहती है भगवान देता है भगवान देता है, क्या भगवान देता है, है? नहीं देने वाला तो प्रभु है। तो उसने कहा कि अपने नौकर को बोला, इस बंदे ने इस औरत को, तू इसको सुबह दोपहर शाम खिला, फिर देख। एक महीने बाद ही आया, कहता हाँ भाई औरत तेरे को पिछले एक महीना किसने खिलाया? कहते प्रभु ने खिलाया। तो बेवकूफ औरत, ये देख, याद में आता तेरे को खाना देता था पैसा देता था? ये मेरा नौकर है, देखो पिछले एक महीने
मैंने खिलाया। तो ये जो औरत थी जो प्रभु की भक्त थी, ये बहुत रो, ये रो पड़ी, कहते अरे प्रभु आप इतने दयालु हैं कि पिछले एक महीने आपने नास्तिक के हाथों से मुझे पलवा दिया। जय हो मेरे प्रभु की, जय हो हरि की, जय हो। तो ये है, ये चीज है। तो कई बार लोग नास्तिक हो जाते हैं, लेकिन चाहे तो दुख में और नजदीक भी आ सकते हैं भगवान के, लेकिन हर व्यक्ति ऐसी समझदारी वाली चॉइस नहीं करता। दुख आते हैं तो पागल होकर के भगवान को छोड़ देते हैं, इसीलिए। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ, जब अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो अगर आप ये लेके चले, अनफेवरेबल सिचुएशन आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। ठीक है जी, कभी भी फेवरेबल सिचुएशन में डोले नहीं बनते, डोले बनते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन में। जितने लोग जिम में जाते हैं ना, ऐसे को उठा ले ऐसे, इतना ऐसे डोले वोले करते रहे, डोले बनेंगे ना, डोले बनेंगे ना, डोली उठेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो उठाएगा ना रोज 20-20 किलो, तो डोले निकलेंगे, फिर एक दिन डोली भी उठा गए। यानी कि भारी भरकम चीजें जब उठाते हैं हम, तो उसे डोले बनते हैं। उस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में विकास होता है, अनुकूल स्थिति में विकास नहीं होता। अनुकूल स्थिति मजा होता है, ए ए पार्टी मैन पार्टी, शैंपेन उड़ा लेंगे। लेकिन विकास तो प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। इस बात को जितने अमीर लोगों के घर में जो बच्चे होते हैं ना, बेकार होते हैं, खस्ती होते हैं, दिमाग वगैरह कुछ नहीं होता इनके अंदर। क्यों, क्या करना है, मस्ती गोरी करनी है, पिताजी ने कार दिया, यहाँ स्वाइप मारा, वहाँ स्वाइप मारा, ड्रग्स ली अपना। और सबसे सीधी लकीर कौन खींचता है? चर्सी। यस, ऐसे कार्ड से सी। ये कुछ कर सकता है जिंदगी में? इसलिए कहावत है, चीजें ठोकर खा के टूट जाती हैं, इंसान ठोकर खा के बनता है। तो जितने भी दमदार लोग हैं ना, उन्होंने बहुत ठोकरें खाई हैं, ठोकर से बनता बनता है, थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन बनता तो वो ठोकरों से ही है। तो इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में ये सोचना चाहिए, ये तो मैं सीखने के लिए आया हूँ जी। लाइफ इज अ यूनिवर्सिटी। अगर आप सीखने के एटीट्यूड से आओगे, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सीख के जाओगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। ठीक है जी, तो इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में ये लेके चलना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में नाम जप करें और गहराई आनी चाहिए, बजाय कि हम सोचें अरे यार ये दिक्कतें आ गई, बताओ क्या कर रहे हैं भगवान, ये उल्टी सोच है। कई लोग ये करते हैं, दुख में इतने पागल हो जाते हैं, नाम छोड़ देते हैं, अरे राम 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 राम, क्या दिया भगवान ने भाई, अरे राम 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 राम, अरे रे क्या यार लाइफ ही ना यार, स्यापा हो गई यार, राम 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 राम। फिर लोगों को डाउट होता है, यार नाम तो लिया कुछ हुआ नहीं, हमने नाम तो लिया कुछ हुआ नहीं, कैसे नाम लिया था, इनका दिखाओ, इनका वीडियो कैमरा दिखा दे रहा है इनको, कैसे नाम लिया हमने। तो इसीलिए कठिनाई में नाम लेकर के तो बहुत लाभ मिलता है। ठीक है जी, हाँ जी माता जी बताइए जी। हाँ जी, उसके लिए मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर हम किसी से कहते हैं कि वहाँ पर आज बहुत अच्छा और अगर कोई कहेंगे नहीं कि हमको नहीं आना है या हमने कोई ऐसे गलत काम नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन आता है, हमने कोई गलत काम नहीं किया तो कथा वथा सुनेंगे, तो ऐसे वक्त में धर्म संकट ये हो जाता है कि कहे या ना कहे, अवश्य कहे, अवश्य कहे। हाँ, होता क्या है, कई बार ना लोग अध्यात्म को एक लग्जरी मानते हैं, मतलब कि भाई समय हुआ तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो यार पंगड़े पाओ यार यार सो के। तो इसलिए कई बार लोग इसको लग्जरी मानते हैं कि भाई ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है कोई। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई भी की हुई ना, अपने स्कूल में पढ़ाई की, अगर कॉमर्स में, कॉमर्स की पढ़ाई में आपने देखा होगा एक मैस्लोज नीड हायरार्की आती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की एक क्रम है। उसमें फिजिकल नीड्स भी, यानी कि हमारे शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, थोड़ा आराम करना, ये हमारे शरीर की आवश्यकताएं।
इसके अलावा कौन सी आवश्यकताएं हैं? सामाजिक आवश्यकताएं, मिलना जुलना, कैसे हो जी आप, ठीक हो, ये हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं भी हैं, हम कुछ सीखते हैं नया, बौद्धिक आवश्यकता पूरी होती है। हमारी अहंकारी आवश्यकताएं हैं, कोई माने, अरे जब से माता जी मंदिर में आई हैं भाई, मंदिर तो कहां से कहां पहुंच गया, अरे माता जी अब क्या प्रसाद बनाते हो आप, ऐसे हमारे जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा अहंकार के ऊपर पोषण होता है। इस तरह से हमारी एक और आवश्यकता भी है, अध्यात्म की आवश्यकता। तो लोग बाकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे होते। फिर होता क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी खोखले रहते हैं, या तो दारू पी रहे होते हैं या फिर आत्महत्या कर रहे होते हैं। क्या बंदे के पास सब था यार, सब कुछ था, ऐसे फिनाइल की गोली खा के मर गया हो, हार्पिक पी के मर गया हो, नस काट के मर गया हो, सब कुछ था उसके पास था भाई। क्यों? क्योंकि वो एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा। वो कौन सी आवश्यकता है? अध्यात्म की आवश्यकता। तो वो बोले जी हम तो कुछ गलत काम करते नहीं जी, गलत सही की बात नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता। और इंडियंस का विशेष रूप से, भारतीयों का तो स्पेशलिटी है ये। भारतीय स्पेशलिटी क्या है? टेक्नोलॉजी। लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे 100 साल आगे है, 50 साल आगे है किसी देश की। यहाँ यहाँ खास बात क्या है? फैशन। क्या सीखेंगे, ये साड़ी सलवार सूट ये सीखेंगे? नहीं। तो इंडिया की खास बात है हमारी स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म हमारी स्पेशलिटी है। लेकिन सारे देशों को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है, लेकिन एक ऐसा लल्लूला लोगों का देश है जिनको अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है, वो है हम भारतीय। हमको नाज नहीं है, हम सोचे बैठे हैं करेंगे बाद में करेंगे, एक बार बुजुर्ग हो जाए, जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, फिर तो यही करना है, घंटा वंटा बजाने और क्या करना है जी। तो बताना है क्यों करना है, क्यों करना बताना है उनको। आज लोग देखो तनाव को हैंडल नहीं कर पाते, क्यों नहीं हैंडल कर पाते? क्योंकि आध्यात्मिकता लेते लेके देते, हाँ इसकी डोज लेना ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे जी। हाँ तो ये हमारी आवश्यकता है, और भगवान की भक्ति करके इनको कुछ नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी भक्तियाँ करें उनको गुदगुदी हो जा रही है, हरे कृष्ण ओए ओए, ना ऐसा नहीं है, लाभ तो हमारा ही होता है। तो जो अपने ही लाभ का ना सोचे उसको गधा बोलते हैं। तो जो दुनिया में 99.99% लोग गधे हैं, क्योंकि अपना ही भला नहीं करना चाहते। भक्ति करके भगवान को भला नहीं होता, भक्ति करके हमारा ही भला होता है। तो जो अपना ही भला ना करना चाहे उसको तो क्या बोलते हैं? गधा। ये चीज़ है जी। कभी आपने सुना है भगवान का भक्त आत्महत्या कर गया, एक हाथ में माला थी दूसरे हाथ में हार्पिक था, कभी कभी सुना है ऐसा? भगवान का भक्त कभी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन बाकी संसार में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है, जितने लोग मर्डर से नहीं मरते उसके 3 गुना लोग आत्महत्या से मर रहे हैं। यानी बंदा बाहर की दुनिया से कम दुखी है, अपने आप से ज्यादा दुखी है। 3 गुना लोग आत्महत्या कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू दोज हु गेट मर्डर्ड। 3 गुना ज्यादा, माय गॉड। यानी दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, दुश्मन हमारा स्यापा मन। यस, तो इसलिए करना जरूरी है अध्यात्म हमारी खुद की भलाई के लिए, ठीक है? तो इसलिए नहीं तो आत्महत्या करने गई। अब देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो रेगुलरली आत्महत्या के केस सुनने को आते, प्रवीण बॉबी, दिव्या भारती, नफीसा जोसफ, सुशांत सिंह राजपूत, ये क्यों आ रहे बार बार? ये भाई ये तो बढ़िया इंडस्ट्री के लोग हैं, तो ये क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे, आध्यात्मिक आवश्यकता। मैंने वीडियो देखा आईएएस ऑफिसर का, आईएएस ऑफिसर है वो, पावर है उस बंदे के पास। उसने एक सेल्फी वीडियो बनाया कि मैं घर का तनाव और सिस्टम में करप्शन को नहीं झेल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उसने फ़ोन को यहाँ रखा, टंग करके मर लिया। सेल्फी वीडियो वायरल हुआ था फेसबुक में। तो इसीलिए अगर ये नहीं करेंगे तो सब कुछ हो करके भी मरेंगे, और अगर आध्यात्म की आवश्यकता पूरा करेंगे लाइफ में और कुछ हो चाहे ना हो फिर भी मस्त रहेंगे। जो प्रभु के भक्त होते हैं पैसा वैसा होता नहीं उनके पास, फिर मेरे पास क्या है? पैसा वैसा थोड़ी हमारे पास, कुछ भी नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, गाड़ी बंगला नहीं, बीवी बच्चे नहीं, घर गृहस्थी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खाना बदोश जिंदगी। लेकिन वो पूछे भक्त से क्या आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। लेकिन ये चीज़ अगर मेरे से माइनस कर दें, भक्ति हटा दें, मेरे पास हर एक कारण है आत्महत्या करने का। मेरे घर नहीं, मेरी बीवी नहीं,
मेरे बच्चे नहीं, नौकरी नहीं, घरवार नहीं, दौलत शौहरत नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, एक हार्पिक की बोतल ले दो बस। भक्ति होने से व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, बाकी कुछ चीजें प्लस माइनस भी हो, अरे बिंदास, क्योंकि वो है कृष्ण का दास। ठीक है जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी, ओके, लास्ट क्वेश्चन, यस, हाँ जी, बताओ जी, यस। सुख के टेस्ट में हम फोकस रहते हैं कृतज्ञता से, बाई ग्रैटिट्यूड, कि जो अच्छा चल रहा है प्रभु की कृपा चल रहा है, अदरवाइज कोई अच्छा हमारी लाइफ में है नहीं जी, ये अच्छा चल रहा है इनकी कृपा से, तो सारे अच्छे को उनकी सेवा में लगाएंगे तो अच्छा आपको प्रभावित नहीं करेगा, तो इस तरह से हम सुख और दुख दोनों के परे जा पाते हैं। तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना, हम लोग थैंक यू नहीं बोल पाते, हम जितने लोग माता पिता को थैंक यू बोलते हैं हार्डली एनी है, उनका कर्तव्य था भाई, उनकी ड्यूटी थी, हम पाल पोस के बड़ा करना वाज देयर ड्यूटी, यू नो, ये कह रहा है भाई हमने बड़ा बलिदान किया पाल पोस के बड़ा, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं दिल्ली में, तो ऐसे मतलब प्रजाति खूब सारी है, यहाँ तो आप उदयपुर में बड़े संस्कारी लोग रहते हैं, दिल्ली में तो ऐसे उजाड़ बुद्धि के लोग हैं, ओ माय गॉड। तो ये जो कृतज्ञता है ये जो है अब ये कमजोर बना देती है हमें, तो इसलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा प्रभुपाद जी के प्रति, भगवान के प्रति, आपके लोकल डिवोटी के प्रति, मायापुर वासी प्रभु के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, फिर आप सुख में सुख का टेस्ट पार कर जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, मैं विराम देते हैं आप, धन्यवाद सभी भक्तों का, हरे कृष्णा। तो शाम की कथा कितने बजे है अभी, 6:30, ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, श्री गौरंग महाप्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु जी को, आज तो इतना कन्विंस हो गया हम लोग कि हम गौरंगवादी बनेंगे, राइट, इतना कन्विंस हो गए, और ये भी कन्विंस हो गए कि हम अध्यात्म में ज्यादा प्रगति करेंगे, तो बहुत ही सरल तरीके से प्रभु जी ने एक एक चीजों को एकदम डाउट क्लियर किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत प्रभु जी का आभार, कितना भी आभार व्यक्त करें तो भी कम है एक्चुअली, तो बहुत कुछ सीखने को हमको मिल रहा है, और इतना दिन से मैं प्रभु जी को कह भी रहा था कि प्रभु जी हम पिछले 3 साल से एकदम सूख गए थे भक्ति में, क्योंकि ना कोविड की वजह से इन भक्तों से नहीं मिल पा रहे थे, तो अभी ये एक वापस एक जागरूकता हो गई, प्रभु जी जैसे आए उधर जरूर पड़ा उनकी कथा सुनने में, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी आपके, धन्यवाद जी, प्रभु जी आभार व्यक्त करेंगे एक बार हृदय से महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, जय मंगला प्रभु जी की, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी का सब लोग समय से आए, शाम को भी पधारेगा और भी आपके जो भी मित्र हैं उनको भी धन्यवाद।